हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपके पास एक छोटी सी उम्मीद लेके। तो हमारे नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 12। हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर और आज है उसका सेकेंड एंड लास्ट लेक्चर, यानी आज वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर, पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेक्चर में क्या क्या होगा? लेक्चर में होंगे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारे फॉर्मूले, शॉर्टकट, मेंटोस मेथड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ढेर सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेक्चर को देखने का तरीका क्या है, है ना, कि चला के इसे बैठ जाएंगे आराम से, अरे भैया बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, जहां पे भी सवाल आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, जान लगानी है पूरी। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तब पॉज बटन को हटाना है और तब सॉल्यूशन को देखना है। यही बेस्ट अप्रोच है सीखने की। इसके बाद जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? सर तब जाएंगे मेला देखने। मेला देखने नहीं जाना है, है ना। बबीता बहुत दिन से बोल रही मेला देखने, हम भी नहीं ले जा पा रहे, लेक्चर बनाते रहते हैं। तो भैया मेला देखने नहीं जाना है, लेक्चर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करनी है। ई का चिड़िया है प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में होते हैं इस लेक्चर पे बेस्ड 20 से 25 से 30 बढ़िया सवाल, है ना, नीट के लिए रेलिवेंट एकदम। तो जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि नीट फिजिक्स में 150 प्लस मारना है, 160 प्लस मारना है, मार सकते हो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज 50%, एंड विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिस शीट, दैट इज द रिमेनिंग 50%। प्रैक्टिस शीट कहां मिलती है? प्रैक्टिस शीट मिलती है फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में। फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में जाना है, बैचेस सेक्शन में जाना है और जाके अपना खूबसूरत सा बैच, उम्मीद बैच पे क्लिक मारना है। क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा बाय नाउ, देख के हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए कि खरीदना पड़ेगा, खरीदना नहीं है। बाय नाउ पे क्लिक करते ही आप जीरो फी के अंदर, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो जाएंगे उम्मीद बैच के अंदर। वहां से आप डाउनलोड करेंगे प्रैक्टिस शीट, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस फंसेंगे, 24 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आपके जो भी डाउट्स बचे हैं प्रैक्टिस शीट के, जो भी सवाल नहीं बने हैं या बन गए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, आप जाके फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में बैचेस सेक्शन के अंदर, उम्मीद बैच के अंदर उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है नीट फिजिक्स के अंदर 150 प्लस, 160 प्लस और इवन 170 प्लस तक जाने की, अगर आपने ये सारी बातें मेरी फॉलो कर ली तो। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि उम्मीद सीरीज के अंदर सिर्फ नीट का फिजिक्स का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा, सिर्फ फिजिक्स का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है, केमिस्ट्री और बायो का भी नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है। कहां पे? हमारे प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे। और जो जेई के बच्चे बहुत दिन से हम लोग को कोस रहे थे जेई वालों का क्या है, तो आप लोग के लिए हमने नया चैनल बना लिया है जेई वाला, यू हैव टू गो देयर। वहां पे हम जेई 2021 के मेंस और एडवांस का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, सेम उम्मीद के सीरीज की तरह। तो सारी बातें समझ में आ गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अलक पांडे। चलिए शुरू करते हैं, आइए बच्चे शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा लेक्चर। सो टुडेज गोल पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर। तो ये सारी चीजें हमें देखनी। अच्छा वो बोल दूं क्या, है ना, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग और अ वेरी गुड नाइट जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। अब यार पोटेंशियल एनर्जी ना फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। हाँ बड़ी शॉकिंग बात है, पर फिजिक्स में कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन नहीं है। फिजिक्स में क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू डिफाइंड है, यू डिफाइंड नहीं है, किसी भी किताब में देख लोगे। और डेल्टा यू भी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है कंजर्वेटिव फोर्सेस के करेस्पॉन्डिंग। कंजर्वेटिव फोर्स याद है ना, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स बताई थी तुम्हें? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन्हीं के करेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, है ना। एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, पर मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है कि नहीं होती है, ये सब हम लोग आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात भी कब करेंगे? जब मैं 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो हम डेल्टा यू की आज बात करेंगे। अच्छा ऐसा होगा कि आगे लेक्चर में मैं कई बार यू की वैल्यू लिख दूंगा सीधा सीधा कि यू इतना है, यू इतना है।
तो ऐसा नहीं कि यू डिफाइंड हो गया, समझाएंगे कि तब क्या हुआ। फिजिक्स में डेल्टा यू ही डिफाइंड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जो बात बताई उसको यहां पे लिख के भी मैं लाया हूं भैया। क्या लिखा है? इन फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू दैट इज डिफाइंड। डेल्टा यू इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू डिफाइंड है, और डेल्टा यू भी किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। आगे आप लेक्चर में मेरे को कई बार यू की वैल्यू लिखते हुए देखोगे, बट एक्चुअल में वो यू की नहीं, वो डेल्टा यू की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी। अब बात आती है कि डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू निकलेगा कैसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा कैसे। तो एक उसका फॉर्मूला हमेशा वैलिड है बेटा, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, बेटा डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चेंज क्या होगा? फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये डेफिनेशन तो भाई याद करनी पड़ेगी, ऑल्दो इसके ऊपर से अभी तक नीट या एपीएमटी में डायरेक्ट सवाल नहीं आया है, पर पता होना चाहिए। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अपन कहां से कहां गए? अपन इनिशियल से फाइनल गए। तो चेंज क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। और भाई साहब ये डेफिनेशन डेल्टा यू की हमेशा वैलिड है। अभी मैं एक और फॉर्मूला लिखूंगा डेल्टा यू का जो कि कंडीशनल है, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इसको अपन लिख लेते हैं इसे डब्बा में बंद करके, है ना, डब्बा में बंद करके लिख लेते हैं ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या फॉर्मूला है बेटा डेल्टा यू का, है ना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स होता है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और एक्चुअली में ये एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स लगती है, बट ये फॉर्मूला कंडीशनल है। ऑल्दो आगे आने लेक्चर में इसको हम लोग धड़ल्ले से यूज करेंगे, बट इसकी दो कंडीशंस हैं, इसकी दो कंडीशंस, ये हमेशा सही है। डेल्टा यू डिफाइंड ही ऐसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। बट बेटा ये कंडीशनल है, दो कंडीशंस लगेंगी तब डेल्टा यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के भी बराबर होगा। एक्सटर्नल एजेंट भी लिखा हो सकता है, मतलब हम, है ना। वो दो कंडीशंस क्या हैं? ध्यान से देखें, दो कंडीशंस क्या हैं? ध्यान से देखें, पहली कंडीशन कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन, अपने सिलेबस में फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो उस गिवन एग्जाम्पल में, गिवन सवाल में जहां ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, वहां या तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी ही नहीं, वहां फ्रिक्शन वगैरह होगा ही नहीं, एयर ड्रैग होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो उनका वर्क डन जीरो होगा। कई सवालों में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, धड़ल्ले से लगाएंगे, बट आप ध्यान देना उन सवालों के अंदर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, ये सब नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? दूसरी कंडीशन ये है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी उस मास की, उस बॉडी की जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि वेरी वेरी स्लोली हम गए हों। कैसे गए हों? वेरी वेरी स्लोली, इनिशियल से फाइनल पॉइंट हम कैसे गए हों? वेरी वेरी स्लोली, तब ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है। बट ये वाली बेटा ऑलवेज ट्रू, 100% करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। यही है डेल्टा यू का फॉर्मूला,
डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. एंड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ओनली. कई लोग इनटू टू में देख रहे हैं. ओनली व्हेन दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड. या तो उस सवाल में फ्रिक्शन की फोर्स हो ही ना, एयर ड्रैग हो ही ना, और अगर है तो उनका वर्क डन जीरो हो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो. दूसरी कंडीशन कि ये जो मूवमेंट हुआ है इनिशियल से फाइनल पोजीशन का, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये भैया कैसे हो, वेरी 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 स्लोली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो. बट ऐसा होगा ना कि हम लोग ये फॉर्मूला भी बहुत धड़ल्ले से यूज करेंगे. कई बार क्या होगा, कंडीशंस गिवन नहीं होगी तो हम अज्यूम कर लेंगे ये कंडीशंस वैलिड है. अब सवाल में दिया नहीं कि फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे भैया, फ्रिक्शन नहीं है, है ना. और अगर दे रखा है फ्रिक्शन वगैरह है देन यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, सवाल में नहीं दिया कि चीजें स्लोली हुई है कि फास्टली हुई है, तो हम अज्यूम करेंगे स्लोली हुई है, अनलेस मेंशन कि भाई ये सडनली हुआ है. अगर नहीं लिखा है सडनली हुआ है तो हम क्या मानेंगे, स्लोली स्लोली हो गया है. बात क्लियर है, कूल है एकदम. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. सवाल आ गया एकदम कॉन्सेप्ट पे. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन पोजीशन ए इज -40 जूल. तो एक पोजीशन ए है और पोजीशन ए में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -40 जूल है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी. ए से कहां गए, बी पे गए. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना दे रखा है, -20 जूल है ना. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज -20 जूल्स. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन पोजीशन बी. हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इन पोजीशन बी. तो बेटा सिंपल, ये तो एकदम फॉर्मुला बेस्ड सवाल. डेल्टा यू कहां से कहां गए बेटा, ए से बी पे गए. सो फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. बेटा मेरे को यू बी पता है क्या, यू बी नहीं पता. यू ए पता है क्या, हाँ मास्टर, -40. तो यहां -40 रखेंगे तो ये +40 जूल हो जाएगा. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इनिशियल टू फाइनल कितना है, -20. यहां माइनस लगा है तो ये हो गया +20 जूल. तो बेटा यू बी इज इक्वल टू 20 - 40 - 20 जूल. -20 जूल इज द आंसर. क्लियर, हलवा सवाल एकदम कॉन्सेप्ट. अब यहीं पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछता. अब देखो सवाल में कहीं फ्रिक्शन वगैरह है, कहीं नहीं है. सवाल में ये बताया कि स्लोली गए कि फास्ट गए, नहीं बताया, तो हम क्या मानेंगे, स्लोली गए. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सीधा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. तो आंसर क्या हो जाएगा, +20 जूल हो जाएगा. क्लियर है, है ना. +20 और कुछ और हो जाएगा वर्क डन बाय. अब मान लो ये पूछ लेता है ना, तो हम उसको निकालते. कहने का मतलब फॉर्मूला बता रहा था मैं. ठीक है, चलो 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 आंसर पता नहीं क्या होता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन एज, इस बार फोर्स दे दिया, वर्क डन नहीं बताया. इज गिवन एज एफ इज इक्वल टू 2x i cap + 3y square j cap. फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 3, 4 इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 2, 1 इज 8 जूल. इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, कंजर्वेटिव फोर्स भी गिवन है, इस बार वर्क डन निकालना पड़ेगा. याद है जब ऐसा एक्सप्रेशन हो तो वर्क डन कैसे आता है, कंजर्वेटिव फोर्स का इंटीग्रल fx dx x1 से x2 तक प्लस fy dy का इंटीग्रेशन y1 से y2 तक. याद है पिछले लेक्चर पढ़ाया था, प्लस इंटीग्रल fz dz z1 से z2 तक. तो वैसे वर्क डन निकालना पड़ेगा. पहले एक काम करते हैं, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 3, 4. तो एक पॉइंट मान लेते हैं A, इसका कोऑर्डिनेट 3, 4 हो गया, और A से चले अपन B की तरफ, B का कोऑर्डिनेट 2, 1 हो गया. वर्क डन दिया नहीं है तो कहीं से कहीं भी चल सकते हैं, वर्क डन तो बताया ही नहीं इस बार. वर्क डन दिया होता कि A से B में इतना है, B से A में, तब हम रास्ता क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करते हैं, यहां तो रास्ता कुछ भी ले सकते हैं. अच्छा और क्या दिया है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 3, 4. हमें यू ए नहीं पता है ना. इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 2, 1 इज 8 जूल, हमें यू बी पता है कितना है, 8 जूल है. अब अगर हम निकाल लें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी. सो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, दैट विल बी इक्वल टू यू बी माइनस यू ए. अपन कहां से कहां गए, ए से बी. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी
इसके आगे माइनस लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू, है ना। अपन को पता है भाई फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए, ए से गए बी पे, तो फाइनल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल की इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। इस बार वर्क डन गिवन नहीं है, है ना, इस बार क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले वर्क डन निकालते हैं ए से बी जाने का, आ जाओ, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब जरा देखो ये फोर्स कैसी है बेटा, ये फोर्स एफ एक्स एफ वाई के फॉर्म में गिवन है हमें, एफ इज इक्वल टू टू एक्स आई कैप थ्री वाई स्क्वायर जे कैप, तो ये क्या हो गया एफ एक्स, ये क्या हो गया एफ वाई, तो वर्क डन कैसे निकलेगा याद है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई, आओ निकालते हैं। सो इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स एक्स वन से एक्स टू तक प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई वाई वन से वाई टू तक प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड जेड वन से जेड टू तक। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एफ जेड का कोई टर्म नहीं है, तो एफ जेड तो जीरो हो गया, ये तो गया। आओ यहां वैल्यूज रखते हैं, इंटीग्रल एफ एक्स, एफ एक्स कितना है बेटा 2x, सो 2x dx x1 से x2, अब देखो यहां से यहां गए तो ये हो गया मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो 3 से 2 जाएंगे हम लोग, तो x की लिमिट हो गई 3 से 2 प्लस इंटीग्रल fy dy, fy कितना है 3y square, सो 3y square dy कहां से कहां y1 से y2 तक, 4 से 1 तक चल दिए भैया, 4 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे बाबू साहेब, 2 बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन होगा x square by 2, तो बेटा 2 से 2 मर जाएगा, लिमिट कहां से कहां 3 से 2 तक, फिर यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, y square का इंटीग्रेशन y cube by 3, तो बेटा जी 3 से 3 मर जाएगा 4 से 1, तो पहले x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर y की जगह पहले 1 रखेंगे, 1 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो बेटा ये हो गया 4 माइनस 9 प्लस 1, 4 का क्यूब बोल भाई 64, माइनस 64 और 4 ये हो गया माइनस 60, माइनस 60 और माइनस 9 माइनस 59, अब 59 नहीं 69 ना, उसमें कंफ्यूजन हमेशा रहता है, उनहत्तर उन्नासी नवासी है ना, तो माइनस 69 प्लस 1 माइनस 68, सो आंसर इज माइनस 68 जूल्स। ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब बेटा क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब देखो बेटा मुझे क्या पता है, मेरे को यू बी पता है 8 जूल और यू ए नहीं पता, तो यू बी की जगह लिखा मैंने 8 जूल माइनस यू ए नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बेटा ये कितना है माइनस अड़सठ, इसका नेगेटिव करेंगे तो अड़सठ जूल हो जाएगा, यूए इस तरफ आ जाएगा, यूए हो जाएगा इधर जाके माइनस आठ माइनस अड़सठ, तो बेटा यूए की वैल्यू कितनी हो गई माइनस साठ जूल, खेल खत्म पैसा हजम, माइनस साठ जूल, क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बेस या डेफिनेशन बेस या फॉर्मुला बेस सवाल थे डेल्टा यू के, अभी तक नीट में नहीं आए, आगे आ सकते हैं क्योंकि एकदम सिंपल, और ऐसा नहीं है नीट में नहीं आए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आए हैं ऐसे सवाल भैया, डेल्टा यू की डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की तो सेम होगी, वहां पे हम चार्ज को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो वहां पे ये सवाल आ चुके हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो रे डोली उठाओ। अब आ गए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में भी डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ेंगे, आज थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आज MGH पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो ये हो गया बेसिक भाई कि अगर दो मासेस M1 M2 रखे हैं और कैसे होने चाहिए, पाइंट मासेस, पाइंट मासेस, पाइंट मासेस बोले तो इन्नू से, है ना, इन्नू छोटे से मासेस, पॉइंट मासेस, और इनके सेंटर टू सेंटर, ध्यान से सुने भाई और बहनों, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस अगर आर है तो बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम वन एम टू बटे आर, माइनस जी एम वन एम टू बटे आर। अब कई लोग कह रहे हैं मास्टर अभी तो तुम बोल रहे थे यू डिफाइंड नहीं है, अब तुमने यू डिफाइंड कर दिया है मास्टर, क्या खेला है, अभी तो कह रहे थे डेल्टा यू डिफाइंड है, बड़ी डींगे हाके थे शुरू में है। तो बेटा ऐसा है कि ये भी डेल्टा यू है, कैसे, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंफिनिटी लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन
माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंफिनिटी इज माइनस जी एम वन एम टू बटे आर। तो सर फिर ऐसे कैसे लिखा? क्योंकि बेटा फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी को जीरो माना गया है। ये दिमाग लगाया फिजिसिस्ट ने कि भैया हमें डेल्टा यू ही पता है, तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट ऐसा ढूंढते हैं जहां पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो कर देंगे, फिर किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इससे कंपेयर कर देंगे तो डेल्टा यू हो जाएगा। तो एक्चुअली ये यू नहीं है, ये क्या है? डेल्टा यू है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? जीरो है। चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे वो मैग्नेटिक हो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड इवन पोटेंशियल इज जीरो। चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इंफिनिटी पे उनको जीरो माना। तो इस तरह से ये यू नहीं, क्या है? डेल्टा यू। यू ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन माइनस यू ऑफ इंफिनिटी। हाँ, इसमें खेल ये था कि यू एट इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। तो यू लिख दिया हमने। क्लियर है भाई? अब इस पे सवाल तो करेंगे ग्रेविटेशन में जब पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग आज इस पे सवाल करते हैं। फॉर पॉइंट्स क्लोज टू अर्थ सरफेस एट हाइट h फ्रॉम सरफेस। सबने रट रखा है mgh, है ना? mdh असली मसाले सच। मान लो बेटा ये एक बॉडी है, इसका मास m है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी का मास m है। बेटा ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है। क्या चीज है ये? सेंटर ऑफ मास। और मान लो इसका सेंटर ऑफ मास अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। इसका सेंटर ऑफ मास अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है और बेटा h छोटा है। कितना छोटा है? 10 किलोमीटर से छोटा मान लो, है ना? अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर, तो उसके कंपैरिजन का नहीं होना चाहिए ना, उससे काफी छोटा हो। तब बेटा एक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का वैलिड होता है, दैट इज mgh। और बेटा यहां पे h किसकी हाइट होती है? सेंटर ऑफ मास की। कहां से? सरफेस ऑफ अर्थ में। इसमें हम क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते हैं। यू डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है? डेल्टा यू। हमने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली? थोड़े से देखो, थ्रोट में दिक्कत है बुड्ढे के, ठीक है? बुड्ढा हो गया मैं। तो बेटा यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुए? जीरो मानी, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे क्या है? mgh। क्लियर है? चलो, चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l इज केप्ट इन थ्री पोजीशंस। वाह वाह, बड़ा सुंदर नजारा है। As shown below, assuming h is equals to zero on the ground. Assuming h is equals to zero on the ground, find potential energy of the chain in all the three cases. बुड्ढा पढ़ाएगा, don't worry. तो बेटा हमने ground पे क्या माना? यहाँ पे h is equals to zero मान लिया। मास कितना है? m है। अरे यार, अब तो potential energy zero ही हो जाएगी क्योंकि इसकी height zero है। Center of mass सरफेस से कितना ऊपर है? जीरो हाइट ऊपर है। यहां पे आओ बेटा, यहां पे सेंटर ऑफ मास जो है चेन का, वो सरफेस से कितना ऊपर है? एच हाइट ऊपर है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। यहां पे बेटा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? भाई साहब, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान के सेंटर ऑफ मास को एकदम बीच में मान लेंगे, ठीक है? सेंटर पे मान लिया। तो बेटा ये मास m यहां ऐड कर रहा है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? बेटा जी, चेन की लेंथ है l, तो ये हो जाएगा यल बटे टू। तो सेंटर ऑफ मास कितने ऊपर है? यल बटे टू। सो पोटेंशियल एनर्जी बेटा एम जी यल बटे टू हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास यल बटे टू है। तो ये हम सीख गए भैया कि हाइट किसकी लेनी है? सेंटर ऑफ मास की। आइए देवी और सज्जनों, आपको एक अद्भुत खेल दिखाता हूं। डेल्टा यू निकालते हैं जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, पहले एक ये भी करना था, माफ करें देवी और सज्जनों, एक सवाल और है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन ऑफ मास m kept as shown। चेन का भी निकालेंगे और डिस्क का भी निकालेंगे, ठीक है? डिस्क को नहीं लिखा, ऑफ चेन एंड डिस्क। इट्स द टाइम टू डिस्को। दोनों का मास क्या है? m। तो बेटा इस चेन का मास क्या है? वैसे सेमी सर्कुलर चेन है। इस चेन का मास m है, है ना? इसे चेन ऐसे हमने ऐसे सजा के रख दी कटोरे के ऊपर। कटोरे में कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा, बोलो क्या, बोलो क्या है? रेसिज्म वाले तुम लोग पहली पूछे हो बचपन में, अब कहते हो तुम रेसिस्ट। तो बेटा चेन यू रखी है मास m की, बहुत बढ़िया बेटा। ये हुआ हमारा सरफेस, है ना? इसको हम लोग बेटा बोलते हैं रेफरेंस लेवल। अभी धीमे धीमे सीखते जाओ।
क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेवल, जहां से हम हाइट मेजर करते हैं, रेफरेंस लेवल, क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेवल। तो ये मेरा रेफरेंस लेवल बन गया, यहां से हाइट मेजर करेंगे। तो बेटा ये चेन का मास है, ये यहां पे भी है, 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 यहां। तो बेटा ये सरफेस से कितना ऊपर है, रेडियस r है, तो कितना ऊपर हो गया, r ऊपर हो गया। यार r ऊपर तो सिर्फ इतना मास है, ये वाला मास सरफेस से कितना ऊपर है, इतना ऊपर। ये वाला मास सरफेस से कितना ऊपर है, इतना ऊपर है। ये वाला मास सरफेस से कितना ऊपर, सिर्फ इतना। यानी यार यहां तो डीएम 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 मास डिस्ट्रीब्यूशन है और सबकी हाइट अलग अलग है। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है बाबू, कोई टेंशन नहीं है। अपन को क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बोलो, भूल गए, है ना, अभी सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे। तो बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पड़ेगा, अच्छा ये बता दो, बस इतना बता दो, इतना तो बोल दो, बोलो साजन, इतना तो बोलो, कहां पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा कि इस लाइन पे आएगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं होगा, है ना, बीच में एकदम सिमेट्री में। तो बेटा सेंटर ऑफ मास यहां से होता है 2r बटे पाई हाइट ऊपर, यहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास। कितनी हाइट ऊपर, 2r बटे पाई हाइट ऊपर होता है। अपने को सेंटर ऑफ मास की हाइट देखनी है। तो बेटा जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है, व्हाट इज दिस, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है, एक तो वो सिमेट्रिकल एकदम बीच में आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, और कहां पे आएगा, यहां से 2r बाई पाई हाइट ऊपर, है ना। मास कितना है बेटा इसका, m है, और हाइट भी मिल गई हमको, कितनी हो गई, 2r बाई पाई। तो बेटा u इज इक्वल्स टू एम जी एच, एच की जगह 2r बाई पाई। तो सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कुछ डीएम मास इतनी ऊपर है, कुछ डीएम मास इतनी ऊपर है, कुछ डीएम मास इतनी ऊपर है ना। तो बेटा किसकी हाइट लें, सेंटर ऑफ मास की। इधर से बात करें, हमें सेमी सर्कुलर डिस्क भी आ गई, सेमी सर्कुलर डिस्क। तो बेटा जो डिस्क होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, क्या सभी जीव जंतु को फील हो गया कि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा, सभी को फील हो गया, है ना, सिमेट्रिकली एकदम बीच में। तो बेटा जो सेमी सर्कुलर डिस्क होती है इसका सेंटर ऑफ मास होता है 4r बटे 3 पाई हाइट पे। अब सर सब आप ही बता दोगे एग्जाम में कैसे करें, एग्जाम में अभी तक इसका सवाल पूछा नहीं गया पर आसान है, ग्रेविटेशन के अंदर कुछ इसके कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं नीट के अंदर, है ना, सब बताता चल रहा हूं साथ साथ में। तो एग्जाम में कैसे करोगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हो अगला चैप्टर, सबका सेंटर ऑफ मास रट लेंगे। कल को हेमिस्फीयर दे दिया बता देंगे, कल को कोन दे दिया कोन का भी बता देंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट ऊपर है, 3r बटे पाई, सारा का सारा मास यहां पे एक्ट कर रहा है। तो बेटा u इज इक्वल्स टू एम जी 4r बटे 3 पाई, 4r बटे 3 पाई। अच्छा यहां पे भी u नहीं है, डेल्टा u है, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है। रेफरेंस लाइन बेटा ऐसी लाइन जहां पे आप h की वैल्यू जीरो मानते हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हो, और इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी को हम मेजर करते हैं। बोलो बच्चा क्लियर है, शाबाश, चलो आगे बढ़ते हैं। चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू, अरे भैया चेंज है तो डेल्टा यू होगा ना। देखो हमने बताया था कि हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, जो टाइपिस्ट हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको आप ऑर्डिनरी मत समझो, वो हमारा टेस्ट लेते हैं। अच्छा लेक्चर लेने जा रहे हो, देखते हैं कितनी फिजिक्स पढ़े हो, हम भी पढ़े हैं, है ना। सो डेल्टा यू, सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज वर्कर्स, ऑल दोज इफिशियंट वर्कर्स, टाइगर्स, जो इसके लिए काम करते हैं यार दिन रात, बहुत बड़ी बात है ना। सो हम लोग यहाँ पे आ गए, उनका शक्ल भी नहीं दिखता, चेहरा भी नहीं दिखता, बट दैट इज द टीम दैट इज वर्किंग हार्ड। कोई यहाँ के तीन घंटा लेक्चर ले रहा है, उसकी पीपीटी कौन बना रहा है ना, उसकी एनालिसिस कौन कर रहा है, उसके लिए वो शीट कौन टाइप कर रहा है, दैट एवरीथिंग काउंट्स, है ना। सो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। हाँ सो बेटा हम लोग यहाँ पे आ गए, अब हमसे क्या पूछा है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। बेटा मैं तुमको एक बड़ी खास बताऊँ कि डेल्टा यू निकालते वक्त ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डेल्टा यू निकालते वक्त हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि डिफरेंट हाइट्स क्या हैं, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है डेल्टा एच से कि दो पोजीशन के बीच में क्या डेल्टा एच है। मान लो कि ये मास पहले इनिशियली यहां रखा है, फाइनली यहां पहुंच गया, कैसे पहुंच गया,
जय जी। अरे नहीं यार, उठा के मैंने रख दिया, ठीक है, मैंने उठा के ऐसे यहाँ से यहाँ इसको पटक दिया, ठीक है, जैसे हम लोग खुद को उठा के चेयर से बेड पे पटक देते हैं। पटक दिया तो बेटा मैंने वर्क किया होगा, है ना बेटा, वो मेहनत लगी होगी ना बेटा, मेहनत लगती है बेटा पैसे कमाने में, तो मेहनत लगी होगी ले जाने में। अब ये जो मेहनत लगी ये कहाँ गई, गायब नहीं हो सकती, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये मेरी की हुई वर्क स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इस मास की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं पूछूं डेल्टा यू क्या है तो आप बोलोगे सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा अगर हम रेफरेंस यहां माने, बेटा रेफरेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आंसर को, मैं भी करके दिखाऊंगा। रेफरेंस कहीं भी मानो, सवाल इस आंसर को डेल्टा यू को कोई फर्क नहीं, इसको सिर्फ डेल्टा एच से मतलब है, है ना, दो पोजीशन के बीच के डेल्टा एच मिल जाए डेल्टा यू क्लियर है। मान लेते हैं रेफरेंस लाइन यहां है, चलो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो बेटा फाइनल पॉइंट की हाइट कितनी है एच टू, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच टू। इनिशियल की कितनी है एच वन, सो एम जी एच वन, बेटा यहां से एम जी कॉमन हो गया H2 टू माइनस एच वन, बेटा वॉट इज H2 टू माइनस एच वन, दिस हाइट डेल्टा H, वॉट इज H2 टू माइनस एच वन, दिस हाइट, यही तो है H2 टू माइनस एच वन डेल्टा H। तो बेटा आप ध्यान से देखो डेल्टा U किस पे डिपेंड किया, एम जी डेल्टा H पे। तो जब डेल्टा U निकालने को बोल दे कि क्या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई है, तब तुम रेफरेंस लाइन कहीं भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दो हाइट्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए डेल्टा एच, और खेल खत्म। डेल्टा एच मिला चिपका दो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी डेल्टा एच। कई बार क्या करता है, पूछता है भैया ये बताओ कितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट ने, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू सीधा सीधा डेल्टा यू, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा माइनस डेल्टा यू, है ना, और एक्सटर्नल एजेंट का डेल्टा यू। सर यहां तो दो कंडीशन होंगी, फ्रिक्शन नहीं हो, कहां है फ्रिक्शन, ये काम बहुत स्लोली हो, हाँ ये हम मान लेते हैं कि ये काम बेटा बहुत स्लोली स्लोली किया गया है, पर नहीं भी लिखा होगा तो क्या मानोगे, स्लोली स्लोली ही किया गया है, ठीक है। सवाल सी लोग यार जो सवाल बनाते हैं तो स्लोली स्लोली करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, रेफरेंस लाइन चेंज करते हैं, तेज तो नहीं हो रहा, धीमे कर लेना, है ना, रेफरेंस लाइन चेंज करते हैं, तेज तो हमेशा करते हो, आप धीमे कर लेना अगर तेज लगे। एक काम करते हैं रेफरेंस लाइन यहां मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते हैं यार, रेफरेंस ये हो गया मान लो, रेफरेंस बोले तो यहाँ की हाइट जीरो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मेजर होगी, हम फिर से इस मास को इनिशियल से फाइनल पोजीशन डुक 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 कैसे लेके जाएंगे, स्लोली 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 स्लोली। आओ बेटा डेल्टा यू निकाले, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बहुत बढ़िया। बेटा फाइनल पॉइंट की हाइट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन कितनी है, यहां से ये हाइट कितनी हुई, बेटा ये पूरा H2 है ये H1 है, तो ये हाइट कितनी हो गई H2 माइनस H1, सो कितनी हो जाएगी एम जी, और हाइट कितनी हो गई। अब रेफरेंस लाइन ये है, हमें क्या निकालना है डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो फाइनल पॉइंट यहां है, कितनी हाइट ऊपर है रेफरेंस लाइन से H2 माइनस H1, सो एम जी एच टू माइनस H1 माइनस U इनिशियल। इनिशियल तो रेफरेंस लाइन पे आ गया, और रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ओए होए होए, ये तो सेम आंसर आ गया MgH2 माइनस H1 आ गया, ओ हो 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 हे हे हे, और ले 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 मेरा बच्चा है, तो Mg डेल्टा H आ गया, तो छोड़ो चेक करते हैं, तो डेल्टा U कितना आ गया Mg डेल्टा H। यार डेल्टा U को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि रेफरेंस कहां है, उसे क्या चाहिए, दो हाइट्स के बीच का डेल्टा H बताओ, डिफरेंस बताओ। तो सवाल के अंदर रेफरेंस लाइन हम चूज करेंगे कहीं पे भी, ठीक है। एक और दिखाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आप निकाली लोगे। मान लो अपन रेफरेंस लाइन यहाँ ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझाना, है ना, आगे सवाल आएंगे वो सब करने रहेंगे, है ना। ये रेफरेंस लाइन मान लो यहाँ ले ली मैंने रेफरेंस, और रेफरेंस लाइन बेटा ऐसा पॉइंट जहां पे हाइट जीरो है, जहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट, अपन इनिशियल से फाइनल पे गए स्लोली 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 स्लोली। आओ बेटा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब बेटा ये जो फाइनल पॉइंट है ये तो रेफरेंस लाइन पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, देवारे देवा, हाँ या ना भैया, अपन ने रेफरेंस लाइन यही ले ली। अब ये फाइनल पॉइंट तो रेफरेंस लाइन पे है, और रेफरेंस लाइन जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो माइनस यू इनिशियल। अब इनिशियल पॉइंट रेफरेंस लाइन से नीचे है,
तो अब हम जो पोटेंशियल एनर्जी लेंगे वो माइनस एमजीएच में जाएगी। हाँ, रेफरेंस लाइन के ऊपर प्लस एमजीएच और नीचे माइनस एमजीएच, क्लियर। चलो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल वा तो बैठा है रेफरेंस लाइन पे और वहां तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इनिशियल रेफरेंस से नीचे है। कितना नीचे है रे देवा, है इनिशियल कितना नीचू को है, H2 - H1, यही है कि कुछ और है? इनिशियल कितना नीचे है, इनिशियल कितना नीचे है, यहां से रेफरेंस लाइन से कितना नीचे है, H2 - H1। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, माइनस एमजी H2 - H1। सर जी ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि रेफरेंस से नीचे आए तो हाइट नेगेटिव लेंगे और रेफरेंस से ऊपर जाने पे हाइट पॉजिटिव लेंगे। बात समझ में आई? तो जब भी रेफरेंस से नीचे आना तो माइनस एमजीएच लिखना, ऊपर जाना तो प्लस एमजीएच। तो बेटा फाइनल पॉइंट की जीरो हो गई क्योंकि रेफरेंस पे है और इनिशियल की माइनस एमजी H2 - H1। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, एमजी H2 - H1, बेटा ये तो डेल्टा एच बन गया, एमजी डेल्टा एच डेल्टा यू। तो बेटा जो मैं बोल रहा था वही हुआ कि जब डेल्टा यू निकालना हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रेफरेंस लाइन कहां है, यहां भी ले ली, यहां भी ले ली, यहां भी ले ली। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एमजी डेल्टा एच, दो पोजीशन के बीच का हाइट डिफरेंस निकाल दो, चिपका दो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एमजी डेल्टा एच, है ना। अब नीचे से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगी। हम हर बार नीचे से ऊपर गए हैं सर, इस बार तो ऊपर से नीचे नहीं रहे रेफरेंस लाइन वहां मानी है, रास्ता तो हमने डिसाइड किया ना इनिशियल से फाइनल, क्लियर। अब यहीं आपसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ ले, पूछता है कई बार, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं और काम बहुत स्लोली हुआ है। आओ सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल आ गया। अ मीटर स्टिक, मीटर स्टिक मतलब एक मीटर लंबी डंडी, ठीक है, ऑफ मास 400 ग्राम, बड़ी भारी है भैया, मास कितना है 400 ग्राम, मतलब 0.4 kg। अच्छा, इस पाइवेटेड एट वन एंड, यहां पे पाइवेटेड है, यहां पे बंधी हुई है, ठीक है, डिस्प्लेस थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहां से कितना डिस्प्लेस किया, 60 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया। द इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ध्यान से सोचो, इसकी हाइट देखो ऊपर चला गया ना, है ना, सेंटर ऑफ मास भी ऊपर चला गया होगा, है ना। इनिशियली सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके बीच में, यहां पे, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, हम मान लेंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये पूरा 1 मीटर है, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर से कितना नीचे, 0.5 मीटर ऊपर, और नीचे से कितना ऊपर, 0.5 मीटर, है ना। ये भी 0.5, ये भी 0.5, दोनों निकाल सकते हो। तो बेटा जाहिर सी बात है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो भी ऊपर गया होगा, देखो सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया, ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पहुंच गया, COM की जर्नी हो गई, सेंटर ऑफ मास की जर्नी हो गई, तो COM यहां से यहां पहुंच गया। मेरे को क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, नो मास्टर, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अपन को चाहिए डेल्टा यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेल्टा यू mg डेल्टा एच। तो बेटा अगर मेरे को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का हाइट डिफरेंस, वर्टिकल हाइट डिफरेंस, ये नहीं है इसे तिरछा, हाइट डिफरेंस मिल जाए तो बात बन जाए। तो बेटा ये हाइट डिफरेंस निकाल लो, टक 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 टक, ट्यू ट्यू, ये हाइट चाहिए मुझे, यही तो हाइट डिफरेंस है। कुछ लोग एकदम सख्ते में आ गए, सर इसको तो मैं नीचे से पहले एच वन मेजर करूंगा, फिर एच टू मेजर करूंगा, है ना, फिर अपना सर फोड़ लूंगा, काहे भैया, ये हो गया एच खत्म, एम जी यही तो डेल्टा एच है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस का डिफरेंस डेल्टा एच। अब चाहो तो कैसे करो, चाहो तो आप यहां पे रेफरेंस फ्रेम मानो, यहां से ये एच वन हाइट पे है, ये एच टू हाइट पे है, फिर एच टू माइनस एच वन करोगे, यही तो आएगा। अगर तुम यहां पे रेफरेंस मानोगे और बोलोगे ये एच वन हाइट पे, ये एच टू हाइट पे, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, तो बेटा एच टू माइनस एच वन यही तो बनेगा, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन, ये एच वन ये एच टू, एम जी एच टू माइनस एच वन, तो यही तो आएगा ना लास्ट में यार डेल्टा एच। तो अपन को डेल्टा एच पता चल जाए। बेटा ये एच निकालना तो मास्टर ने आपको सिखाया है,
सर्कुलर मोशन के अंदर। अगर देख के आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्ट्रिंग से कोई मास m लटका हुआ है और उसको मैं अगर थीटा एंगल घुमा दूं, उसको मैं यदि थीटा एंगल घुमा दूं, तो ये हाइट h कितनी होगी। अगर ये गिवन है कि रेडियस r है तो h की वैल्यू कितनी होती है बेटा, h की वैल्यू होती है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो याद आया, सर्कुलर मोशन बताया था ना कि अगर मैं स्ट्रिंग में मास को बांध कर, स्ट्रिंग में यदि हम मास को बांध कर यूं घुमा दें और मास को चुप्पर हाइट चला जाए तो h कैसे निकलता है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा h कितना हो जाएगा, ये हो गया r, यही तो r है। r कितना है 0.5 इंटू 1 माइनस कोस 60। कोस 60 की वैल्यू बेटा होती है हाफ, तो 0.5 1 माइनस हाफ, ये भी हो गया 0.5। यस और नो, 1 माइनस कॉस 60, कॉस 60 हुआ हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, यानी 0.5 इंटू 0.5 बेटा ये हो गया 0.2555 25, और दो के बाद दशमलव लगा दिया तो बेटा डेल्टा एच मिल गया, खत्म। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी डेल्टा एच, लगा दो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एम जी डेल्टा एच, डेल्टा एच यही तो है। तो m कितना है 0.4 के जी, g कितना है 10, डेल्टा h कितना है 0.25। ठीक है ना बेटा, है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा एक काम करते हैं, 0.25 को 1/4 लिख लेंगे, या यहीं से इसको काट के यहाँ पे 10 लिखा, 10 से 10 कैंसिल, 4 इंटू 0.25 ये बन गया एक रुपए, है ना, तो एक जूल। क्लियर है, साबास बेटा साबास। चाहो तो बेटा यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान लो, ऐसे सोचो, दिमाग खोलो, चाहो तो यहां पे रेफरेंस लाइन मान लो। जैसे ही यहां पे रेफरेंस लाइन मानोगे, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो जाएगी। डेल्टा यू हो जाएगा एम जी एच माइनस जीरो। ऐसे भी कर सकते थे कि यही तो किया ही है एक्चुअल में। ये रेफरेंस लाइन यहां मान लो, रेफरेंस लाइन कहीं भी ले जा सकते हो जब डेल्टा यू पूछ रहा है, तो रेफरेंस लाइन यहां मान ली, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ये बड़ा सही ट्रिक है, रेफरेंस लाइन एक पॉइंट पे रेफरेंस लाइन मान लो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mgh, mgh माइनस जीरो, आंसर इज mgh, 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 ये पेज छूटा हुआ था। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल इज, अरे बाप रे ये चेन लटक रही है, इसको ऐसा खींच कर ऐसा टेबल के ऊपर लाने का है और धीमे धीमे लाने का है, क्योंकि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बनाना होगा। अब देखो कहीं लिखा नहीं, ये बात कहीं लिखी नहीं थी पर हमें दिल में पता थी। क्या निकालना है, वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल। अब यह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से करो, फोर्स वेरिएबल होगी क्योंकि धीमे धीमे ये ऊपर आता जाएगा तो ये मास कम हो जाएगा तो mg की फोर्स कम हो जाएगी, है ना, तो दिक्कत है। तो करेंगे तो इसको वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू से, है ना। एक्चुअली क्या पूछ रहा है, वर्क कौन करेगा, हम ही तो करेंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो दो एजम्पशन हम मान लेंगे, पहला कि ये स्मूथ है सरफेस, पहला हमने खुद से अजम्पशन मान लिया कि स्मूथ है, कि भैया लो फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं फ्रिक्शन एक्शन। दूसरा हम मानेंगे ये जो पुल किया हमने, इसको खींच के तो ऊपर लाएंगे ऐसे, ये तो है। द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल, तो ये जो पुल किया है ये कैसा होगा, स्लोली। दो अजम्पशन मान लिया बेटा, अब ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो बेटा ये तो इनिशियल कहानी लग रही है, फाइनल कहानी में तो पूरी चेन ऊपर रखी होगी एकदम मस्त मजे में, ये तो इनिशियल कहानी है, है ना। तो अपन को इनिशियल और फाइनल कहानी का देखना पड़ेगा, डेल्टा यू क्या होगा बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनली तो पूरी चेन ऊपर होगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इनिशियल और फाइनल कहानी को बनाते हैं, ये मान लेते हैं इनिशियल कहानी है, कितनी चेन लटक रही है L बाई थ्री, और पूरी चेन का मास M है, लेंथ L है, तो कितनी चेन लटक रही है यहां से, L बटे थ्री लटक रही है, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या है, रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल, तो पूरी की पूरी चेन टेबल वा पे आ जाएगी, आ जाओ सही बना है, पूरी की पूरी चेन को टेबल पे खींच लेते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी चेन कहां आ गई, टेबल पे आ गई, ठीक है। इसे छोटा छोटा इसमें कचर 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 कचर, इसमें आंख मुंह बनाने का मन कर रहा है ना मछली जैसा, हाँ। तो ये हो गई फाइनल कहानी कि पूरी चेन कहां आ गई, खींच खींच कर टेबल पे आ गई। अच्छा ओके,
तो इनिशियली कुछ मास नीचे लटक रहा है, फाइनली सारा मास ऊपर है। ओके ओके ओके, कितना मास लटक रहा है? देखो पूरी चेन का मास m है, लेंथ l है। तो बेटा जी हमसे कह दिया है कि l लेंथ का मास m है, तो l बाई थ्री का मास डेफिनेट सी बात है m बाई थ्री होगा। यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मानेंगे, पूरी l लेंथ का मास m है तो l बाई थ्री का m बाई थ्री। तो कितना मास नीचे लटक रहा है, ये कितना मास है? m बाई थ्री। अब m बाई थ्री कहां पे एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे, है ना? इसके सेंटर ऑफ मास पे इतनी रोप का मास एक्ट करेगा। अरे भाई L लेंथ का मास m है, L बाई थ्री का मास m बाई थ्री होगा, और ये m बाई थ्री मास कहां पे? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहां? इसके लटकने वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे, है ना? लटकने वाले पार्ट के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा कितना? m बटे थ्री। तो बेटा m बटे थ्री यहां से हो जाएगा l बाई सिक्स, और यहां से भी l बाई सिक्स हो जाएगा। और ये कितना मास हुआ बेटा? टोटल मास कितना है? m, m बाई थ्री गया, कितना बचा? 2m बाई थ्री, है ना? m बाई थ्री हटाओ, 1 बाई थ्री हटाओ, क्या बचेगा? 2 बाई थ्री। वो कहां पे है? वो तो सरफेस पे, यहीं पे यार अपन रेफरेंस लेवल मानेंगे, मस्त रहेगा। बाद में क्या हुआ? सारा का सारा m मास ऊपर पहुंच गया। पहले m बाई थ्री नीचे है, 2m बाई थ्री ऊपर है, और बाद में सारा का सारा मास ऊपर है। एक काम करते हैं यार, रेफरेंस यहां पर मान ले, तो रेफरेंस का ही तो खेल है यार दोस्त, सारा खेल देखो यार दोस्त रेफरेंस का है यहां पे। तो यार दोस्त तुम रेफरेंस सही से माना करो। तो रेफरेंस दोस्त यार यहां पे मान लिया मैंने, यानी इस जगह पे हाइट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, है ना, रेफरेंस में, ठीक है। अच्छा अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, खेल खत्म हो गया। रेफरेंस लाइन अपने पास है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। चलो 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 चलो, अच्छा रेफरेंस पे 2m by 3 रेफरेंस पे ही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। आओ निकालते हैं u इनिशियल। तो बेटा 2m by 3 की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई रेफरेंस पे ही। m by 3 रेफरेंस से कितना नीचे हुआ? ये कितना हो गया? l by 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? आधे पे आएगा। l by 3 पूरी लेंथ है, सेंटर ऑफ मास आधे पे आएगा, l by 6 पे। तो m बाई थ्री मास कितना नीचे है? l बाई सिक्स। तो बेटा क्या फॉर्मूला लिखोगे? देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? 2m बाई थ्री की कितनी हुई? इसकी तो जीरो हाइट है, है ना, है ना, g इंटू एच लिखते हैं। तो 2m बाई थ्री इंटू जी इंटू जीरो प्लस m बाई थ्री कितना नीचे है बेटा? माइनस l बाई सिक्स, क्योंकि रेफरेंस से नीचे आ रहे हैं, तो g इंटू माइनस l बाई सिक्स, है ना, माइनस एन जी एच होगा ना, नीचे आ रहे हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई मेरे पास, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया माइनस एम जी एल बटे 18। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बेटा, जीरो, सारा का सारा मास रेफरेंस लाइन पे है तो जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा मास तो रेफरेंस पे ही रखा है। तो बेटा डेल्टा यू तो खटाक से निकल आया अपना, डेल्टा यू क्या हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल जीरो हो गया, माइनस यू इनिशियल माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा एम जी एल बटे 18। तो डेल्टा यू कितना हो गया? एम जी एल बटे 18। अब जो डेल्टा यू होगा बेटा वही क्या होगा? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एम जी एल बटे 18 मानेंगे, स्लोली स्लोली काम हुआ, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, एम जी एल बटे 18। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो अभी पढ़ाया तुमने, कहा कि एक को सवाल नीट का नहीं आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया, आगे आएगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा ना सवाल। चलो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाओ बेटा। तो ये रहा स्प्रिंग का खेल, ये हमारी स्प्रिंग है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे ही रखी हुई है, अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस्ड, है ना, अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस्ड, एक स्प्रिंग थी दीवानी सी, अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस्ड, कुछ कहने से वो डरती थी बेटा, अनस्ट्रेच्ड है अनकंप्रेस्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अब देखो यही हमने रेफरेंस बनाया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, ये रेफरेंस है। अब इसके कंपैरिजन में अलग अलग जगह पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, ये मानी गई है। अरे ये सब मनगढ़ंत कहानी है, रियलिटी में ये सब थोड़ी ना, तो कॉन्सेप्ट बनाएंगे। स्प्रिंग को पता है क्या? मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग को तो क्या पता है?
वो मुक्का होता है ऐसे ही खोलो भर से मारती आके स्प्रिंग, उसको उतना ही पता है, उसको थोड़ी ना पता मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है। ये सब तो मनगढ़ंत कहानी इंसान की। अभी कहीं एलियन एलियन मिलेंगे, वो इसको कुछ और बोलते होंगे, वो इसको बोलेंगे जुम्बारे जुम्बारे जुम, है ना, और इसको बोलेंगे जुम्बारे जुम्बारे डाबा, है ना, तो उनकी अलग भाषा होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की जगह कुछ और ही कॉन्सेप्ट बना के बैठे, मनगढ़ंत कहानी। तो इन्होंने कहा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो, किसी और पोजिशन में इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे तो डेल्टा यू वाला कॉन्सेप्ट भी वैलिड होगा। तो हमने कहा कि अगर हमने इसको एक्स खींचा और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, अगर इसको मैंने पोजिशन से एक्स खींचा, इसको मैंने पकड़ा और ऐसे खींचा और एक्स तक लाया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, एक्चुअली में डेल्टा यू है। इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ की जीरो है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, इस पे फोर्स लगाई और इसको दबाया, तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में, तब भी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो चाहे खींचो या दबाओ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बराबर पाओ, एक कदो क्लियर। तो चाहे खींचो या दबाओ, ऊपर खींचो या नीचे, चाहे खींचो या दबाओ, चाहे ऊपर या नीचे, चाहे दाएं या बाएं, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग इज ऑलवेज स्टोर्ड, हाफ के एक्स स्क्वायर ही पाए, क्लियर है। सो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पे कोई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा, कोई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा, तो क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे डेल्टा यू देख ले बाबू, ठीक है। चलो मान लेंगे कि ये फ्रिक्शनलेस और स्लोली 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 काम हुआ है रे। हाँ, सीबीएसई आईपीएमटी 2006 सब पढ़ते चलो। अभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में यार दो सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। ओके, एक लॉन्ग स्प्रिंग है, उसको हमने कितना स्ट्रेच किया, 2 सेंटीमीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी यू आई। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर और खींचा, हाइया है खुशू। If it is stretched by 8 centimeter, the potential energy stored in it is, बोल रहा है U dash क्या होगा? बेटा दोनों ही खेल में जो K होगा वो सेम होगा, स्प्रिंग का K खींचने दबाने पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, so K तो सेम होगा। अब आपको U dash निकालना है, तो भैया U क्या हो जाएगा, U हो जाएगा हाफ K X का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और U dash क्या हो जाएगा, हाफ K into 8 का स्क्वायर। कई लोग कह रहे हैं यूनिट नहीं चेंज की सेंटीमीटर को मीटर में, तो कंपेयर ही तो करना, आंसर देखो U by 4, 4 U, कंपेयर करने में क्या यूनिट लिखोगे, एकदम नीट वाले हो क्या, आई मीन कमजोर फिजिक्स में हो क्या, I did this part. So U dash is equals to half K into 64. तो बेटा यहां से U dash इसके कितने गुना हो गया, गुना 16 गुना, तो 16 गुना, तो U dash is 16 गुना of U, clear है, U dash is 16 गुना of U, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। इसका 2015 में भी एक सवाल आया है, उसमें work done by spring force पूछिए, वो आपको practice sheet के अंदर सवाल मिलेगा, so work done by spring force पूछिए, उस सवाल में एक चीज ध्यान देना 2015 में, कि actually वो magnitude of work done by spring निकालना है, so magnitude of work done by conservative force, spring force क्या है, conservative, जैसे मान लो यहाँ पे कोई आपसे work done by spring force पूछ लेता, 2015 का एक सवाल है, स्प्रिंग प्रैक्टिस सीट में दिया है, मान लो वर्क डन बाय कोई स्प्रिंग फोर्स पूछ ले कि स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, अभी आगे एक सवाल और आएगा हम लोग भी देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा बेटा, वो तो हमेशा माइनस डेल्टा यू होगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, या डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन। बट जो सवाल 2015 में पूछा गया था उसमें वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड पूछ रहे थे, तो आप भी मैग्नीट्यूड बताएंगे, ठीक है, चलो क्लियर है, शाबाश, आओ बेटा ये भी क्लियर है, शाबाश, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई आईपीएमटी 2001 क्या है, शिवेन 2001, अब देखते हैं, स्प्रिंग के ऊपर ही है, ओके, टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, ओके ये ए है ये बी है, ओके, हैविंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के ए एंड के बी, के ए इज इक्वल टू 2 times ऑफ के बी, अच्छा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उसके डबल है, तो इसको अगर k मान लें तो ka is 2 times of kb, तो ये 2k हो जाएगा। आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों पे इक्वल फोर्स लगा के खींचा, इसको भी f फोर्स से खींचा, इसको भी f फोर्स से खींचा, कौन ज्यादा स्ट्रेच होगा बेटा, f is equals to kx होता है, x is equals to f by k हो जाएगा, जिसका k छोटा होगा वो ज्यादा स्ट्रेच होगा, जिसका k बड़ा होगा वो कम स्ट्रेच होगा,
हैं सर क्या बोले, दोनों को सेम फोर्स लगा के खींचा। फिर क्या पूछा, इफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ई ए है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी, तो पूछा है बताओ ई बी कितना होगा, है ना, ऑप्शन है 2a, a by 4, a by 2, इसके टर्म्स में इसकी एनर्जी ये, दोनों पे बेटा सेम फोर्स लगी है, हमें पता है स्प्रिंग के लिए F is equals to kx होता है, x is equals to F by k हो जाएगा, तो बेटा देखो इसका k उसके डबल है, है ना, और x क्या है k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x क्या है k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स सेम हो जाए, जो कि हो चुकी है इस सवाल के अंदर, क्या है F is equals to K into X, यहां से X is equals to F by K, तो यहां से आप देखो X क्या है, X गंदी है, है? वाली X नहीं, तो X क्या है proportional to, मेरी X तो खूबसूरत है सर आज भी याद करते हैं, जिंदगी में एक ही X मिला है मुझको मैथमेटिक्स वाला, और ये फिजिक्स में जीवन भर X X X है ना, हाँ बबीत नहीं कोई नहीं, अरे कैसी बात कर रही हूँ, कोई नहीं बबीता, अरे बच्चों से वो झूठे मजाक स्टोरीज बनाते हैं ना, तुम हो क्या कैसी बात करती हो बबीता ये सब तो कहानियां हैं, हाँ तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई के, तो बेटा ध्यान से देखो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, और फोर्स कांस्टेंट है मतलब दोनों में सेम फोर्स है ना, अगर फोर्स दोनों में सेम है तो एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हो जाएगा, बेटा इसका के डबल है उसके, तो इसकी स्ट्रेचिंग उसके हाफ हो जाएगी, एक काम करते हैं इसकी स्ट्रेचिंग 2x मानते हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, अब x और x by 2 यार अच्छा नहीं, वो x by 2 मेरे को पसंद ही नहीं जीवन में, है ना x by 2 क्यों करना, है ना x by 1 only me नहीं समझे, समझोगे धीमे धीमे, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ कि इसकी स्ट्रेचिंग उसकी हाफ होगी, है ना x is inversely proportional to k, इसका k डबल है तो स्ट्रेचिंग हाफ हो जाएगी, तो उसको 2x, इसको x, अब बेटा ea कितना हो जाएगा, ea games reading sports, so half 2k into x square, है ना, और eb कितना हो जाएगा half into k into 2x का square, 2x का square, तो ये हो गया half को तो इधर रखो यार जी साइड में, ये 4x square हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4kx square, अब जरा ध्यान से देखो eb जो है वो ea के कितने गुना है, हाफ को हटाओ ये 2kx स्क्वायर वो 4kx स्क्वायर, यानी eb a के दो गुना है, खत्म है ना, हाफ को अलग हटाओ eb 4kx स्क्वायर ये 2kx स्क्वायर, तो इसके दो गुना, खत्म। चलो अब स्प्रिंग सवाल और आगे देखेंगे, अब हम लोग चलते हैं बेटा थोड़ा सा f कंजर्वेटिव इज इक्वल टू du by dr, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उन सबकी चर्चा करते हैं, आ जाओ। तो हमने पढ़ा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, ये तो पढ़ चुके हैं अपन, इस पे सवाल भी कर लिया, इस पे भी सवाल कर लिया था एफ एक्स डी एक्स वाला, सो डेल्टा यू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, वो कहानी है। अब मान लो मैं डेल्टा यू की जगह डी यू लिखूं, है ना डी यू, तो बेटा वहां से भी इंटीग्रेशन हट जाएगा, क्या आ गया माइनस एफ सी इंटू डी आर, F सेंट्रीपिटल कह रहा है कोई, कंजर्वेटिव, F कंजर्वेटिव इंटू डी आर, मेरे यहाँ से F कंजर्वेटिव क्या होगी माइनस डी यू बाई डी आर, ये आपके दिल में छप जाना चाहिए, F कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, है ना, इसको दिल में उतार लो, आंखों में बसे हो तुम तुम्हें दिल में बसा लूंगा, आंखों में बसे हो तुम टुक 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 टुक, आंखों में बसे हो तुम, ठीक है, FC is equals to minus DU by DR, FC is equals to minus DU by DR, ठीक है, अच्छा बेटा DU by DR क्या है, जब चाहूं तुम्हें देखूं तुम्हें आईना बना लूंगा, ए हे हे हे, अरे जब चाहूं तुम्हें देखूं तुम्हें आईना बना लूंगा, मैन दिस इज नॉट ट्रू, कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ओके मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, यू और आर का बड़ा ही बेहुदा ग्राफ बना है, कोई बात नहीं बन गया तो बन गया, बेटा व्हाट इज डी यू बाई डी आर, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होती थी, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, डी यू बाई डी आर होगी, ये सुन लो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स डी यू बाई डी आर, सो एफ कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व, ये देखो
हमारे ऑपरेटर को पता था, एफ कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व. एफ कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व. बेटा याद रखना है, एफ कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ यू आर कर्व. एफ कंजर्वेटिव इज माइनस डी यू बाई डी आर. आंखों में बसी हो तुम, ठीक है. एफ कंजर्वेटिव इज माइनस डी यू बाई डी आर, और डी यू बाई डी आर क्या है, स्लोप ऑफ यू आर कर्व. अब बात करेंगे अपन इक्विलिब्रियम की. भैया इक्विलिब्रियम जो होता है बाबू साहेब, वो पोजीशन होती है जहां पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो जाती हैं. क्या चीज इक्विलिब्रियम बेटा? वो पोजीशन होती है जहां बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो जाती हैं, है ना. ओके, अब मैं थोड़ी देर सीरियस होकर पढ़ाऊंगा क्योंकि काफी देर मजाक हो गया, तो थोड़ी सी सीरियस इमेज बनाते हैं. हाँ, सो बेटा क्या कह रहा था मैं कि हाँ इक्विलिब्रियम फिर से नहीं रिपीट करेंगे. हाँ, तो जहां पे नेट फोर्स नेट टॉर्क जीरो, अभी टॉर्क की बात नहीं करेंगे, ठीक है, टॉर्क पढ़ेंगे रोटेशन में. अगर नेट फोर्स जीरो होती है, ध्यान से अच्छा, नेट फोर्स, अब देखो सीरियस होना पड़ेगा, टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको अच्छे समझते हैं. अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, और नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम. कौन सा इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है. अच्छा, अभी हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, वो रोटेशन में करेंगे. अभी हम नेट फोर्स जीरो पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, ठीक. चलो, If net force on body is zero, it is in translation equilibrium. But बेटा ये complete equilibrium नहीं है. Rotation के अंदर हम लोग complete equilibrium वाले सवाल करेंगे. वो सीढ़ी उड़ी रखी रहती है, देखा है कि नहीं? ऐसे रखी रहती है, पूछता है सीढ़ी कब तक नहीं फिसलेगी, ये सब सवाल देखे होंगे. हाँ है, रहते हैं तो वो सब, है ना. तो आ रखे हैं नीड में, सका ये नीड में नहीं आता, सब आता है. If एक तो तुम लोग खुद से डिसाइड कर लेते हो, नीड में ये नहीं आता है, नीड में ये आता है. पेपर तो देखो, 2020-19 का पेपर देख लिया, नीट में नहीं आता है, आता है, देखो तो. इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी इज जीरो, इट इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब बेटा ये जो इक्विलिब्रियम है ये तीन प्रकार का होता है. कौन कौन सा? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल. तो इसकी बात थोड़ी देर बाद करते हैं, है ना. इसकी बात स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल अभी थोड़ी देर में करते हैं. पहले एक कॉन्सेप्ट समझो. मान लेते हैं बॉडी पे लगने वाली फोर्स जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव है. मान लेते हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट. हमने माना कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट है, यानी बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी वो माइनस डी यू बाई डी आर भी है, यानी वो माइनस डी यू बाई डी आर भी है. अच्छा, अब हम मानते हैं कि बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स है वो जीरो है. मतलब बॉडी किस में पहुंच गई? इक्विलिब्रियम में पहुंच गई. कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशन. कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. तो बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है, वो कंजर्वेटिव है, और कोई फोर्स नहीं, और वो भी जीरो है. तो ये क्या हो गया भैया? नेट फोर्स जीरो हो गई, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई. तो डी यू बाई डी आर भी जीरो हो गया, यानी स्लोप ऑफ यू आर कर्व भी जीरो हो गया. ये अब बताओ कहां कहां पे इक्विलिब्रियम है. जहां जहां पे इस ग्राफ की स्लोप जीरो होगी वहां वहां पे इक्विलिब्रियम होगा. जहां जहां पे इस ग्राफ की स्लोप, जहां जहां पे इस ग्राफ की स्लोप जीरो होगी, स्लोप बोले तो डी यू बाई डी आर, जहां जहां पे डी यू बाई डी आर जीरो होगा वहां वहां पे एफ कंजर्वेटिव जीरो होगा, वहां वहां पे नेट फोर्स जीरो होगी, वहां वहां पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. अब बेटा स्लोप कब जीरो होती है? स्लोप बेटा वहां जीरो होती है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनता है. बेटा स्लोप क्या होती थी? टैन थीटा होती थी ना. तो देखो ये स्लोप जीरो हुई, क्यों? यहां पे थीटा कितना है? जीरो डिग्री. टैन जीरो इज जीरो, तो स्लोप जीरो. तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना पाओ वहां वहां हम कहते हैं स्लोप जीरो. ये बात याद रखो. स्लोप कहां कहां जीरो होती है? जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनता है वहां वहां पे dy by dx जीरो होता है, या स्लोप जीरो होती है, या थीटा जीरो डिग्री होता है, या टैन थीटा जीरो होगा क्योंकि टैन जीरो की वैल्यू जीरो. देखो यहां पे थीटा जीरो, टैन जीरो इज जीरो, du by dr जीरो, है ना. यहां पे थीटा जीरो, टैन जीरो इज जीरो, है ना. तो जहां जहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बने, सीधी लाइन ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बने, वहां वहां हम बोलते हैं कि स्लोप जीरो है. तो इन तीन जगह पे स्लोप जीरो है, यानी du by dr जीरो है, यानी f कंजर्वेटिव जीरो है, यानी नेट फोर्स जीरो है, यानी इक्विलिब्रियम है, यानी ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम. पर तीनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि तीन प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल.
अभी इंट्रोडक्शन होगा, अभी और डिटेल में घुसेंगे। अच्छा, इन तीनों जगह की कॉमन बात क्या है? यहां पे स्लोप जीरो है। किसकी स्लोप? यू वर्सेस आर की स्लोप जीरो है, ठीक है। तो इन तीनों जगह पे नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब बेटा जिस जगह पे यू मैक्सिमम हो, इन तीनों जगह इक्विलिब्रियम है, ये तो श्योर हो गया हम। जिस जगह पे यू मैक्सिमम हो, तो बेटा जहां एनर्जी ज्यादा होती है ना, वहां कोई सुकून में नहीं होता है ना। जिस घर में ज्यादा पैसा हो जाता है ना, ये अमीर लोग ना अपने घर में खुश नहीं होते हैं, है ना। आई थिंक इट्स ट्रू और फॉल्स, आई डोंट नो, है ना। तब बताते थे पापा लोग, है ना, तमाम तरह की बीमारी लग जाती है अमीर लोग को, है नहीं तो परेशान रहते हैं जीवन में। अमीर लोग के जीवन में भी बहुत दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से पता नहीं, बनेंगे तो पता चलेगा। सो यू मै, दिल से अमीर होना चाहिए इंसान को। तो यू मैक्सिमम, अरे यार यू जहाँ पे मैक्सिमम हुआ, तो बेटा अब समझ गए होगे, है ना। इतनी देर बातें यही तो की है ने, इसीलिए समझा रहा था कि भैया जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहाँ खुशी नहीं होती है। तो यू मैक्सिमम हो गया तो ये अनस्टेबल है ना, इतना भी यार डाइजेस्ट नहीं होता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जहाँ पे यू मिनिमम, आनंद। तो जहाँ पे यू मिनिमम, देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, मिनिमम, बेटा वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसकी बात करें, यहां पे यू चेंज ही नहीं हो रहा है, देखो यू कांस्टेंट चल रहा है। तो जहां पे यू कांस्टेंट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है साहब, ना ही स्टेबल ना ही अनस्टेबल, कांस्टेंट जीवन जी रहा है, मिडिल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। अब यार ये कंपैरिजन कुछ सही नहीं बैठ रहा है, एवरीवन इज हैप्पी, लेट्स बिलीव इट। हाँ, सो यू मिनिमम पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यू मैक्सिमम पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और यू कांस्टेंट पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्लियर है। और सभी जगह एक चीज तो सेम है, क्या सेम है कि लाल कलर से लाइन बनाए मारेंगे, सब जगह एक चीज सेम है कि डी यू बाई डी आर जीरो है, एफ कंजर्वेटिव जीरो है, एफ नेट जीरो है, ठीक। यू वर्सेस आर की स्लोप, और डिटेल में चलते हैं बच्चों। देखो जहां पे यू मैक्सिमम अनस्टेबल, जहां पे यू मिनिमम स्टेबल। कई लोग कह रहे हैं यू मैक्सिमम है तो जीरो कैसे, दैट पागल, यू थोड़ी ना जीरो है, डी यू बाई डी आर जीरो है। यहां पे यू मिनिमम है बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है, तो वही तो हो रहा है। यहां पे यू का मैक्सिमा है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी आर जीरो। यहां पे यू मिनिमा है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो, डी यू बाई डी आर जीरो है, इसलिए है ना। तो जहां यू मैक्सिमम खलबली खलबली अनस्टेबल, जहां पे यू मिनिमम स्टेबल, जहां यू कॉन्स्टेंट, हाँ ठीक है न्यूट्रल। चल इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो ये तीन इक्विलिब्रियम को आपको दिमाग में फील करा रहा हूं, अब याद रहेगा, इसके बाद कभी तुमको सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा यू मैक्सिमम पे स्टेबल में, सब कुछ नहीं। और सारी कहानी भी याद रहेगी जो मैं कहानी साथ में अटैच करूंगा सबके, ठीक है। एक बड़ा अच्छा सवाल एफ वर्सेस आर का दिखाने वाला हूं आगे, वो आया नहीं है बट आ सकता है, एफ वर्सेस आर का सभी किताबों में दिया रहता है, वापस आते हैं इस पे। ये तीनों डायग्राम आपको बहुत ही करेक्टली तीन इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं। इसकी हम बात करते हैं, अपने आप बता दोगे, बॉल एकदम नीचे है, गेंदा एकदम नीचे है, है ना, गेंडा राम, तो गेंडा राम एकदम नीचे है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है तो ठीक है, इक्विलिब्रियम तो है, है ना। अच्छा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी लग रही है तुमको? मिनिमम, एकदम नीचे पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम। कैसा इक्विलिब्रियम लग रहा है देखने में? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा लग रहा है, अपने आप बता दो। ये लग रहा है कि नहीं स्टेबल, एकदम सुकून में है ना, यहां से डिस्प्लेस भी करो तो वापस आ जाएंगे, डर नहीं लग रहा, वहां तो डर लग रहा है, खड़े तो है भैया नेट फोर जीरो, थोड़ा सा छुए तो गए अनस्टेबल, ठीक है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिपिक्ट कर रहा है डायग्राम, ये अनस्टेबल हो गया कि भैया नेट फोर्स तो जीरो है पर जरा सा टच किए बाबू साहब तो गिरे, और बेटा ये न्यूट्रल है ना, ना ही कुछ कोई फीलिंग दिख नहीं रही इसकी कुछ खास, न्यूट्रल लग रहा है देखने में, लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब इसको इधर भी डिस्प्लेस करो कोई फर्क नहीं, इधर भी डिस्प्लेस करो कोई फर्क नहीं, ये बड़ा जिद्दी है, इसको इधर डिस्प्लेस करो करके देखो ना हम वापस आ जाएंगे, इधर डिस्प्लेस करो वापस। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की बड़ी खास बात होती है कि अगर आप बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा, तो वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आती है। एसएचएम सोचो, यही तो होता है, एसएचएम में यही तो होता है ना, हम बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स माइनस एक्स पे लगती है ना, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यही तो होता है।
तो अगर आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव करोगे तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगी, दिख रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात कि अगर आप यहां से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, है ना। इस पे नीचे की तरफ mg sin थीटा का कंपोनेंट लगेगा। अगर आप इसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिए पीछे की तरफ तो फोर्स किधर लगेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ लगेगी mg sin थीटा कंपोनेंट। तो हम इधर डिस्प्लेस किए स्टेबल से तो वापस आना चाहेगा, इधर भेजेंगे तो भी वापस, हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाहता है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहानी। अनस्टेबल में ऐसा नहीं है, अनस्टेबल में यहां से हमने कहा इधर जाएगा बाबू, चल 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 यहां पहुंच जाएगा। यानी अनस्टेबल में अगर आपने बॉडी को इस तरफ डिस्प्लेस किया तो बॉडी पे इसी तरफ फोर्स लगने लगेगी, यस और नो। और यदि बॉडी को आपने इस तरफ डिस्प्लेस किया तो इस तरफ फोर्स लगेगी और बॉडी धड़ाधड़ाधड़ाधड़, यानी जिधर डिस्प्लेस करोगे फोर्स उसी दिशा में लगने लगेगी। ये किसकी कहानी हो गई, अनस्टेबल की कहानी हो गई। यानी अनस्टेबल पे बॉडी को डिस्प्लेस करने पे बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाती। हमने इसको इधर की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, ये इधर ही पूरा लुढ़क पड़ी, चलो भैया रे। हमने इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, इधर लुढ़क पड़ी, चलो भैया रे, है ना। ऐसे यहां से डिस्प्लेस करेंगे क्या होगा, यानी अनस्टेबल से बॉडी को डिस्प्लेस करने पे बॉडी स्टेबल की तरफ भागती है। क्यों, अरे यार इतनी हाई पोटेंशियल एनर्जी में कौन रहेगा, उसको मौका मिला कि भैया जाओ आराम से रहो, है ना, सुकून की जिंदगी जियो, आ गया। न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल से हमने कहा इधर चलोगे, हाँ चलेंगे, अब क्या करोगे, यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। सोचो ना, इसको अगर मैं यहां ले जाऊं कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहेगा अच्छा इधर ही रहते हैं। इधर डिस्प्लेस करके छोड़े तो कहां जाओगे, यहीं रहेंगे, डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ये मैंने एक चीज और समझाई कि स्टेबल में अगर डिस्प्लेस इधर किया तो फोर्स इधर, डिस्प्लेस इधर फोर्स इधर, अनस्टेबल में डिस्प्लेस जिधर किया उधर ही फोर्स लगेगी और कहां आ जाएगा वो, स्टेबल की तरफ, और न्यूट्रल में डिस्प्लेस करके छोड़ा बैठा रहेगा। बाकी बातें लिख लेते हैं बेटा। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, तीनों इक्विलिब्रियम है, तीनों में क्या चीज कॉमन होगी, अगर हम बात करें फोर्स की तो एफ नेट तीनों में क्या होगा, जीरो होगा। यहां पे भी एफ नेट जीरो होगा क्योंकि भैया इक्विलिब्रियम है, एफ नेट जीरो होगा। अगर लगने वाली फोर्स सिर्फ कंजर्वेटिव है, अगर लगने वाली फोर्स सिर्फ कंजर्वेटिव है तो ये फोर्स कौन सी है, कंजर्वेटिव है, तो उस केस में बेटा डी यू बाई डी आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तीनों में ही डी यू बाई डी आर जीरो हो जाएगा। तीसरी बात करें बेटा यू की, पोटेंशियल एनर्जी की, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी स्टेबल में, मिनिमम होगी। यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी अनस्टेबल में, मैक्सिमम होगी। और यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी बेटा, कांस्टेंट, है ना। जरा देखो इसके अगल बगल कहीं भी ले जाओ, हाइट का कोई डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। चौथी बात करें बेटा कैसे पता चलेगा, सवाल में कैसे निकालेंगे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, आगे सवाल आने वाले हैं कि कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, कैसे निकालेंगे। तो बेटा पहली चीज तो यह है कि du by dr को जीरो कर दो, हाँ सर नाइस, है ना। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे du by dr जीरो हो जाए। अब पूछ ले कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो देखना पड़ेगा u मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब मैक्सिमा मिनिमा चेक करना शायद तुम्हें मैंने बताया है, y जहां पे मैक्सिमम होता है या जहां पे मिनिमम होता है, दोनों ही जगह dy by dx जीरो होता है, पर मैक्सिमा पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है और मिनिमा पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, डी यू बाई डी आर जीरो होगा और डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर ये कैसा है, मिनिमम है, मिनिमम है तो यह कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। याद है उल्टा पुल्टा होता था, मिनिमम पे पॉजिटिव होता है और मैक्सिमम पे नेगेटिव। अरे यार y जब मैक्सिमम हो y जब मिनिमम हो दोनों ही केस में dy by dx जीरो, है ना। u जब मिनिमम हो u जब मैक्सिमम हो दोनों ही केस में du by dr जीरो, y जब मैक्सिमम मिनिमम dy by dx जीरो। अब जब y मैक्सिमा होता था तो d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव और y जब मिनिमा होता था तो d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव, है ना। तो यहां पे बेटा डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर, क्या ख्याल है आपका, यू कैसा है, मैक्सिमम है तो डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और यहां की बात करें तो बेटा यहां पे डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्या हो जाता है, जीरो,
ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, क्या हो जाता है जीरो। तो ये सारी कहानी है, सारा खेल है, इसको अच्छे से आप पकड़ लो। इसके बाद सवाल इक्विलिब्रियम के धड़ाधड़ ही लेंगे। एक प्रैक्टिस सवाल करते हैं आज। इफ यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, फाइंड पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप भी बताना है। ऑप्शन है एक्स इज इक्वल टू 2 पे अनस्टेबल, एक्स इज इक्वल 2 पे स्टेबल, 4 पे स्टेबल। U is equals to x square minus 8x। अब बेटा हमसे इक्विलिब्रियम शब्द तो इस्तेमाल कर लिया है, यानी du by dr या यहाँ पे du by dx तो जीरो होगा ही होगा, तो बिना सोचे समझे du by dx को जीरो कर देंगे। तो ये हो गया du by dx, क्या होगा 2x minus 8 equal to zero। बेटा यहाँ से x की वैल्यू होगी 8 बटे 2 यानी कि 4। अब पता करना है कि x is equals to 4 है ना, एक ही रूट आ रहा है। x is equal to 4 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल। इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, d2u by dx square। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, कैसा आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब u कैसा है उल्टा फुल्टा, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। d2u by dx square अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब उल्टा फुल्टा मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम का मतलब स्टेबल एकदम है ना। तो x इज इक्वल्स टू 4 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। चलो एक सवाल देखते हैं, सीबीएसई AIPMT 2012। क्या सवाल है, क्वेश्चन, u इज इक्वल्स टू a बटे r स्क्वायर माइनस b बटे r, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस r ऑफ द पार्टिकल इज। अच्छा u की वैल्यू क्या है, a बटे r स्क्वायर माइनस b बटे r। क्या बोल रहा है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यार इक्विलिब्रियम तो बोल ही रहा है ना, तो du by dr तो कर ही देते हैं, du by dr इक्वल टू जीरो। हमसे क्या पूछा है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस r ऑफ द पार्टिकल इज du by dr जीरो। बेटा इस तरह के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना सिखाया था मैंने, 1 by x square, 1 by x, 1 by x cube, याद है। अगर मेरे को 1 by x square का करना हो, d 1 by x square का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या करते हैं, नीचे जो पावर लिखी है ऊपर उसको माइनस में लिखो और नीचे पावर एक बढ़ा दो। याद है, यहां मान लो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन x की पावर 4 का, तो पावर 4 को ऊपर माइनस लिखते माइनस 4 और नीचे x की पावर 5 करते। तो यहां पे यही कंसेप्ट लगाते हैं, a को एज इट इज लिखा रहने दो बेटा, आर स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, नीचे बेटा आर क्यूब हो जाएगा माइनस, बेटा आर की पावर 1 है तो ऊपर आके माइनस 1 हो जाएगा, b अपॉन r की पावर एक बढ़ा दो। बोलो समझ में आया, जो पावर लिखी 1 बाई जब भी एक्सप्रेशन दिखे तो जो पावर लिखी ऊपर उसको माइनस लिखो, नीचे पावर एक बढ़ा दो। तो ऊपर मैंने माइनस 2 लिखा, नीचे पावर एक बढ़ा दी, ऊपर मैंने माइनस 1 लिखा, नीचे पावर एक बढ़ा दी, इक्वल टू जीरो। ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, एक पेज और है, हाँ है, चलो। तो ये माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस b बटे आर स्क्वायर, माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस b बटे आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बेटा यहां से b बटे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a बटे आर क्यूब। इसके बाद क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, यही करते हो ना, ये गलत है ना, इस तरह से तुम कुछ रूट खा जाते हो इसकी, जब तुम काट ही दोगे तो तुम कुछ रूट खा जाओगे। देखो आंसर तब सही आएगा तुम्हारा, ऐसा नहीं है, आंसर तब भी सही आएगा बट तरीका गलत है। तो आर क्यूब को इधर लाओ, बी इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 2a इंटू आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, बी आर क्यूब माइनस 2a आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से आर स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा, बी आर माइनस 2a इक्वल टू जीरो। अब देखो इसकी तीन रूट्स हैं, यस दो नहीं तीन, एक तो आर स्क्वायर जीरो होगा, अब r स्क्वायर है ना तो r की वैल्यू जीरो और दूसरा भी r की वैल्यू जीरो, इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स होना। और दूसरा br माइनस, मतलब तीसरा br माइनस 2a इक्वल टू जीरो। यहां से बेटा br इज इक्वल टू 2a, r इज इक्वल टू 2a बाई b। तो यहां पे इक्विलिब्रियम होगा और यहां पे इक्विलिब्रियम। सवाल में पूछा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छा बाबू साहब सवाल में तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है, अब चेक करना पड़ेगा d2u बाई dr स्क्वायर से। एक मिनट जरा ऑप्शन देखो, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस आर ऑफ द पार्टिकल इज, बेटा आर इज इक्वल टू जीरो का ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, 2a by b, खत्म, जरूरत ही नहीं है ना, फालतू की मेहनत क्यों कर रहे हो, काहे चेक करें हम कि d2u by dr स्क्वायर, अगर r इक्वल टू जीरो ऑप्शन में होता तो चेक करते है ना, तो भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, यहाँ पे r की वैल्यू जीरो रख के देखो, पोटेंशियल एनर्जी r इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है,
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है आंसर। यहाँ पे जो यू का फंक्शन है वो अनडिफाइंड है ना भाई, एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। एक तो आर इक्वल टू जीरो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो 2a/b बचा। दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि आर की वैल्यू जीरो रख के देखो, फंक्शन क्या हो गया? अनडिफाइंड। अब जब फंक्शन डिवाइंड ही नहीं है तो वहां पे उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे हो सकता है? समझ गए, 2012 का सवाल था। ऐसा ही सवाल 1995 में आया था, 1995 में आया था। वहां पे ऑप्शन के अंदर भी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो दे रखा था, बट वहां भी वही खेलता कि x की वैल्यू जीरो रखने पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अब जब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, वहां फंक्शन की लाइन ही नहीं है, तो वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है तुम कैसे कह सकते हो? भाई r इक्वल टू एग्जैक्ट जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, r टेंडिंग टू जीरो पे है, r इक्वल टू जीरो पे नहीं है। 1995 में सेम सवाल था, वहां ऑप्शन के अंदर भी x इक्वल टू जीरो दिया था, तो और आसान कर दिया 2012 में, ऑप्शन ही से हटा दिया, बच्चा कंफ्यूज भी ना हो, है ना। पिछली बार तो सोचा था कि बच्चा दिमाग लगाए, तो x इक्वल टू जीरो ऐसे एक्सप्रेशन में रख के देख लो, अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वहां ना स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना अनस्टेबल, वहां ना u मैक्सिमा ना u मिनिमा, वहां पे u डिफाइंड नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये अच्छा सवाल है, फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट बी सी एंड ए। अब ध्यान से देखो, ये एफ और आर का कर्व है, अब दिमाग लगाओ। फाइंड द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एट बी सी एंड ए। अब अच्छा ध्यान से देखो, ये U वर्सेस R का कर्व नहीं है, कर्व किसका दे रखा है आपको? F वर्सेस R का कर्व दिया है। अब क्या करें सर, U वर्सेस R में तो क्या देखते थे हम कि कहां पे du by dr जीरो है, वहां पे क्या होता है इक्विलिब्रियम, जहां पे U मैक्सिमा अनस्टेबल, U मिनिमा स्टेबल, U कांस्टेंट न्यूट्रल। अब यहां क्या करें, आप दिमाग लगाओ, है ना, कभी कभी दिमाग लगाना चाहिए। आओ, हमसे क्या बोला है इक्विलिब्रियम। बेटा इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे है ना ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें, तो बेटा इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे आपके पास नेट फोर्स जीरो हो। तो अब आप देखो कि कहां कहां पे नेट फोर्स जीरो है, बी पे नेट फोर्स जीरो है, यस दिस इज फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ, बी पे फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगा, लिखा भी है इन्होंने, तो कहा है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ, ये नहीं कह रहे इक्विलिब्रियम कहां है। बट आई फील करा रहा था, कई लोग को लग रहा था कि इक्विलिब्रियम तो ये है, इक्विलिब्रियम तो ये है, यहाँ पे यू मिनिमम है, स्टेबल यू मैक्सिमम अनस्टेबल नहीं, यू वर्सेस आर का कर्व ही नहीं है, कर्व किसका है, एफ वर्सेस आर का है, ठीक है। अभी ये सवाल आया नहीं, आ सकता है, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, एफ वर्सेस आर का। तो एक बी पे हमने देखा भाई फोर्स जीरो, सी पे भी फोर्स जीरो, इवन डी पे भी जीरो है, पर डी का उन्होंने पूछा नहीं है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होगा वो बी सी में खेल ले जाएंगे हम, और ए पे पूछा है कि भैया कौन सा इक्विलिब्रियम है। ए पॉइंट को एकदम यहां कोपचे में नहीं बनाते वरना डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, यहां पे बना लेते हैं ए, ए बी और सी पे हमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है। चलो बी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ बी। अच्छा यहां पे बेटा फोर्स कितनी है, जीरो है। मैं एक काम करता हूं, बॉडी को मैं थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देता हूं, इस तरफ मैंने थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो बेटा फोर्स कैसी हो गई, पॉजिटिव। अगर मैं बॉडी को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देता हूं तो बॉडी पे पॉजिटिव फोर्स लगती है। इसका मतलब मान लो ये बॉडी है, कहां पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जरा समझना इसको, मान लो ये बॉडी है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर बॉडी को मैं पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस किया, एक्स है या आर है, अगर मैंने बॉडी को पॉजिटिव आर में डिस्प्लेस किया तो बॉडी पे फोर्स भी कैसी है, देखो ऊपर की तरफ है ना, कैसी फोर्स आ रही है, पॉजिटिव। यानी बॉडी को अगर इस तरफ डिस्प्लेसमेंट आर दूं तो बॉडी पे फोर्स भी इसी तरफ लग गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पहचाने। अगर बॉडी को मैं पीछे की तरफ ढकेलता हूं, मैं आर को नेगेटिव करता हूं, आर को नेगेटिव, तो फोर्स भी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई, ये सुनो। अगर मैं आर को नेगेटिव करता हूं, बॉडी को पीछे डिस्प्लेस करता हूं, तो फोर्स भी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया, फोर्स भी किधर चली गई बेटा, देखो नीचे चली गई कि नहीं, बॉडी को पीछे की तरफ डिस्प्लेस किया, फोर्स भी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। यानी अगर मैं पीछे की तरफ डिस्प्लेस करता हूं तो फोर्स भी पीछे, यानी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया तो उसी डायरेक्शन में भागी चली जाएगी, ये तो अनस्टेबल में था, याद है बॉल ऊपर रखी थी, डिस्प्लेस इधर किया इधर, यहां रखी थी डिस्प्लेस क्या, इस तरफ भाग गई थी, किधर भाग रही होगी, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। तो बेटा बी कौन सा पॉइंट हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। आओ ए की चर्चा करते हैं, पहले सी की करेंगे फिर ए की, है ना।
सी की चर्चा करते हैं। ये रहा सी पॉइंट। सी पे फोर्स जीरो है। हाँ मास्टर। सी से अगर मैं पॉजिटिव डिस्प्लेस करूं बॉडी को, आर की वैल्यू पॉजिटिव लूं, तो फोर्स कैसी आ रही है? नीचे चली जा रही है। फोर्स कैसी है? नेगेटिव है। समझ गए सभी लोग? ये सी है। सी से मैंने बॉडी को पॉजिटिव डिस्प्लेस किया है ना, बॉडी को मैंने आर कैसा लिया, इस तरफ पॉजिटिव, तो फोर्स कैसी है? नेगेटिव, यानी वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना चाह रहा है। उल्टा चाहो देख लो, अगर आर को नेगेटिव लेता हूं तो फोर्स कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो आर को नेगेटिव लिया तो फोर्स कैसी आई? पॉजिटिव। आर इधर कर रहे हैं नेगेटिव दिशा में तो फोर्स पॉजिटिव, तो आर को नेगेटिव किया तो फोर्स पॉजिटिव, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना चाहता है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। अब ए की बात करें बेटा, सभी लोग समझ गए हैं कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। ए से अगर मैं इस तरफ डिस्प्लेस करूं, फोर्स कितनी है? जीरो। इस तरफ डिस्प्लेस करूं, फोर्स कितनी है? जीरो, यानी डिस्प्लेस करके जहां ले जाएंगे वहीं रह जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मैंने इस तरफ आर डिस्प्लेस किया तो यहां रुक जाएगा, इस तरफ आर डिस्प्लेस किया तो यहां रुक जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो ही है, चाहे इधर ले जाए चाहे इधर, इक्विलिब्रियम के। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली आप डी का भी तुरंत सोच सकते हो, इस तरफ ले गए पॉजिटिव तो फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव तो फोर्स नेगेटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर हुआ? अब तो खटाक से बता सकते हो डी पॉइंट का भी। ये पॉइंट मान लो कोई पी, इसको तो नहीं डिफाइन नहीं कर पाओगे इक्विलिब्रियम में, इस पॉइंट पे आते हैं ये डिफाइन हो पाएगा। इस तरफ ले गए पॉजिटिव में ले गया तो फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव में ले गया तो फोर्स नेगेटिव। नेक्स्ट, मैकेनिकल एनर्जी। द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन बेटा, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, एम ई भी नहीं लिखेंगे, है ना, लेटर्स बचाते हैं, थोड़ी कंजूसी करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको के ई भी नहीं लिखेंगे ना, आगे कितनी बार के ई लिखना पड़ेगा। द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैकेनिकल, सारी तरह की पोटेंशियल एनर्जी सारी तरह की काइनेटिक एनर्जी को मिला के। आ जाओ बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम समझने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक बात समझो, वर्क एनर्जी थ्योरम किस कंडीशन में वैलिड होता है? याद करो, याद करने लग गए ना, हमेशा वैलिड होता है, यही चक्कर है। वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा ऐसा थ्योरम है जो ऑलवेज वैलिड है, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, है ना, चाहे जो कर लो, है ना, चाहे जितनी तरह की फोर्स आ जाए, चाहे फ्रिक्शन आए ना आए, वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड। तो यहां से कहानी स्टार्ट करेंगे और हम डिराइव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। डिराइव करना इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के लिए, डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैश कोर्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और दिखाएंगे कि वो किस कंडीशन में वैलिड होता है। आओ देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है हमसे? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, थोड़ी जगह कम बचाते हैं ना, कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। यही बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, कौन कौन से तरह की फोर्स हो सकती है मेरे पास? मेरे पास हो सकती है कंजर्वेटिव फोर्स, मेरे पास हो सकती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और मेरे पास हो सकती है कोई एक्सटर्नल एजेंट की फोर्स। सबको मिला के इक्वल टू लिख देंगे डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग के यूज करें कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए अपन के यूज करें कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। काइनेटिक एनर्जी के लिए के यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू यूज करेंगे, और मैकेनिकल एनर्जी के लिए एम यूज करेंगे। तो ये तो सिर्फ सिंबल्स हैं, किताबों में कोई एम ई लिखता है, कोई के ई लिखता है, ठीक है। आ जाओ, तो डेल्टा के लिख दिया मैंने। अच्छा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इसके सिवा और कोई फोर्स हो सकती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हो गई, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव हो गई, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, टेंशन फोर्स कंजर्वेटिव, टेंशन इज कंजर्वेटिव, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कंजर्वेटिव होती है, ये भी याद रखना। और बताओ सर, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्सटर्नल के अंदर काउंट कर सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि ना ही कंजर्वेटिव है ना ही नॉन कंजर्वेटिव में आ रही है। और बताओ, तो जितनी भी फोर्स है यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? अच्छा, अब देखो डेल्टा के को एक्सपेंड करते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, लिख सकते हैं डेल्टा के को। अच्छा, अभी नहीं करते यार, रुको, एक काम करो, पहले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को उस तरफ भेजो। देखो मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूं ताकि तुमको फील आ जाए,
एक काम करो, पहले उसको इस तरफ भेजते हैं। सो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आते हैं, डेल्टा के माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यार ये तो कुछ देखा हुआ लग रहा है, ये मैंने सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा जो हमेशा वैलिड है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के। फिर मैंने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को इधर भेजा, क्या हो गया, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो कुछ देखा हुआ लग रहा है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू, है ना। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, बोल सकते हैं। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यहां तक सब सही है। अच्छा, हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, डेल्टा के को लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, और डेल्टा यू को लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आगे बढ़ाते हैं काफिला। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू, के फाइनल यू फाइनल को जोड़ दो, सो यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। बोलो लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दो। इफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो एंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इज ऑल्सो जीरो, अगर ये दोनों जीरो हो जाएं, यानी सवाल के अंदर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एयर ड्रैग नहीं होनी चाहिए, और सवाल के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आना चाहिए, बाकी अंदर जो खेल चल रहा हो चल रहा हो, जैसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन को बोल दिया एक्सटर्नल एजेंट में डालने को, सो दैट विल नॉट काउंट। तो सवाल के अंदर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, सवाल के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंट ना हो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब भी वर्क डन जीरो हो, और अगर हो तो भी उनका वर्क डन जीरो हो ना, नॉर्मल रिएक्शन का सवाल आएगा, रोटेशन के अंदर आ जाता है तो वो फीलिंग आएगी, वहां पे टेंशन मत लो। अब बेटा अगर ये दोनों जीरो हैं तो सवाल तो इक्वेशन बन जाएगी यू जीरो इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग तरफ लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं यू आई, इसको इस तरफ ले आए, प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के। बेटा व्हाट इज यू प्लस के, बेटा व्हाट इज यू प्लस के, व्हाट इज यू प्लस के, इट इज मैकेनिकल एनर्जी, इट इज मैकेनिकल एनर्जी, सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वैलिड व्हेन देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, व्हेन देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, और इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स आर प्रेजेंट देन द वर्क डन देम बाय देम इज zero, then only you can say that there is no change in the mechanical energy and mechanical energy is conserved. तो ये conditional है और ये forever है. Work done by all forces change in kinetic energy किसी भी सवाल में लगा सकते हो जहां friction वगैरह दिख रहा हो, ऐसा सवाल दिख रहा हो कि कोई बॉल है या कोई मास है ऊपर से ऐसे स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है और इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन भी है। अब अगर प्योर रोलिंग है तब तो तुम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, क्योंकि प्योर रोलिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। पर अगर प्योर रोलिंग नहीं है, कोई और सवाल है, स्लाइड करके ब्लॉक नीचे आ रहा है, ब्लॉक को ढकेल के ऊपर ले जा रहे हैं, क्या लगाओगे? मान लो एक ब्लॉक ऊपर रखा, इसे घिसटता हुआ नीचे आया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम सदाबहार। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंडीशनल। क्या कंडीशन है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होनी चाहिए, है तो उनका वर्क डन जीरो होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट ना आए, जब तक कहीं एनर्जी का लॉस, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस हो गया तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, है तो यही तो है, फ्रिक्शन वगैरह में लॉस नहीं होना चाहिए, और एक्सटर्नल एजेंट आके इंटरफेयर ना करे, वरना वो एनर्जी को बढ़ा सकता है या खींच के एनर्जी निकाल के घटा भी सकता है। सो देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, देयर इज no change in mechanical energy if these two conditions are satisfied. There is no change in mechanical energy. हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, there is no change in mechanical
एनर्जी, यानी वन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म. यही तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी. सवाल आने वाला है, सवाल आ गया. सीबीएसई आईपीएमटी 2004, देखो क्या है. द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग वुड बी, हमने यहां पे एक गेंदा ली, गेंदा का मास है, गेंदा की स्पीड है, जा गेंदा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, खत्म बेटा. अच्छा, कहीं फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ सरफेस, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. यानी शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन गई. यानी काइनेटिक एनर्जी जो शुरुआत में आपके पास है वो लास्ट में क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग बन गई. बोलो, खेल खत्म. सीधा यार, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, पहले मैं लिख रहा था लेक्चर में, स्टार्टिंग में, अब तो पढ़ लिया. सिंपल सी बात है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट, देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. शुरू में किस फॉर्म में, काइनेटिक में, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई. तो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ने हाफ को मार दिया, एम की वैल्यू 0.5, वी की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू के कितना है 50 इंटू क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है. ओके बाबू साहिब, अच्छा 50 को इधर ले आऊं मैं, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू, इसको मत छेड़ो 1.5 इंटू 1.5, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो अपने को पता है काम हो जाएगा. यहां 50 को लिया, यहां से पॉइंट हटाया 0.5 और ये हो गया 100. बेटा अब स्क्वायर रूट लगा दो, x इज इक्वल टू रूट लगाओगे तो ऊपर बचेगा 1.5, नीचे बचेगा 10, कितना हो गया 0.5, यूनिट होगी SI यानी मीटर. टर, क्लियर है. चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा एक सवाल ले लिया. द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इफ ब्लॉक कम्स टू रेस्ट. अच्छा यहां पर स्मूथ सर्फेस मानेंगे क्योंकि कुछ दिया नहीं है, तो हम सरफेस कैसा मानेंगे, स्मूथ लिखा है क्या, नहीं तो स्मूथ सरफेस, वरना फ्रिक्शन आ जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया नहीं तो स्मूथ तो मानना ही पड़ेगा. द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इफ ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाई 1 meter. बेटा यहां से ब्लॉक को छोड़ा, कौन सी एनर्जी इसके पास छोड़ा, इस रिलीज फ्रॉम रेस्ट. बेटा इनिशियल स्पीड क्या है, 0, काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. और छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही, काइनेटिक में, दबाया, किसमें चेंज हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी. सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स टू अदर फॉर्म, देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. कितना कंप्रेस किया है स्प्रिंग को, 1 meter दबा दिया है, यह ऐसे आया होगा और यहां इसको ऐसे करके ऐसे दबा के अंदर घुस गया होगा, एकदम कचकचा के अंदर चला गया होगा 1 meter. यह कचूक, कितना, 1 meter अंदर दबा दिया है, ठीक है 1 meter. तो हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल. पूछा क्या सवाल, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट. अच्छा पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक, कितना नीचे ब्लॉक आया, बिलाक, बिलाक प्रमुख, कितना नीचे बिलाक आया, एस डिस्टेंस मान लेते हैं, नीचे ब्लॉक आया, डिस्टेंस मूव बोला है, हाइट नहीं बोला है ना, कितनी हाइट से गिरा नहीं बोला है, कितना डिस्टेंस मूव किया बिलाक ने, एस डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा. इनिशियल कौन सी मैकेनिकल एनर्जी इसके पास, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, और फाइनली कहां चली गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चली गई है ना. इनिशियल कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल, और कोई एनर्जी तो है नहीं, और फाइनली वो किसमें चेंज हो गई है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में. बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. अब बेटा अगर ये एस डिस्टेंस नीचे गिरा है तो ये कितनी हाइट नीचे गिरा, इतनी हाइट यही तो इसकी हाइट रही होगी इनिशियली, यही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी. तो बेटा अगर ये S है और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45, तो H कितना हो गया, S cos 45 है ना, बात समझ में आ रही है.
ये कितनी हाइट पे रहा होगा बाबू साहब? अगर ये एस डिस्टेंस नीचे गिरा है, अगर ये एस डिस्टेंस नीचे गिरा है तो ये कितनी हाइट पे रहा होगा? इस हाइट पे रहा होगा, है ना? और ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। बोलो सही है, दिस एंगल मस्ट बी 45 डिग्री। तो बेटा ये हाइट कितनी हो जाएगी? S cos 45, यही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई। काहे रे भैया, अरे यहां पे अपन क्या ले लेंगे? रेफरेंस ले लेंगे ना बाबू साहब। यहां पे क्या ले लिया? रेफरेंस ले लिया, ठीक है। तो फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। और इनिशियली कितनी हो गई? mgh। तो फाइनल देख रहे हो, कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले। अरे यार अब इतनी देर पढ़ा दिया, वैसे ही बात है और दिल टूट जाएगा यार। देखो यार, इनिशियली सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनली सिर्फ स्प्रिंग, हम तो इतना लिखेंगे। अरे यार यहाँ पे रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ रेफरेंस ले लिया तो फाइनली कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं बचेगी। हाइट कितनी होगी? एस कॉस 45 तो लगा देते हैं। mgs cos 45 is equals to half kx square। वैल्यू रखते हैं बेटा, m कितना है? m कितना है? m कितना है? root 2। तो root 2, g को रखेंगे 10, s मुझे पता नहीं, cos 45 1 बटे root 2 is equals to half, k की वैल्यू बेटा दे रखी होगी 100 न्यूटन पर मीटर, और x की वैल्यू भी दे रखी होगी स्प्रिंग बाई 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 हो जाएगा। अब बताओ कट्टम कुट्टा खेला जाए, रूट टू से रूट टू मर जाएगा, 0 से 0 भी मर जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, s की वैल्यू 5 होगी, खेल खत्म, पैसा हजम। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो फिर से डायग्राम दिया था, खैर सीबीएसई आईपीएमटी 2009 क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। इसको रिलीज कर दिया, अगर इसको स्लोली स्लोली नीचे लेके जाते, याद आया, तब फोर्स वाला इक्विलिब्रियम वाला खेल खेलते, और अगर सडनली छोड़ेंगे तो एनर्जी वाला खेल खेलेंगे, लॉज ऑफ मोशन में बताया था, है ना। द मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड, अभी ये अनस्ट्रेस्ड है, राइट नाउ, राइट हेयर, राइट नाउ इट इज अनस्ट्रेस्ड। तो बेटा अभी कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फिर द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी, इसको आप छोड़ोगे ड्यूई, है ना, ड्यूई, जब तक लिखे ना कि ग्रेजुअली लेके गए, तब तक मानो नहीं, तब तक मानो सडनली, इसको छोड़ा ड्यूई नीचे गिरेगा। तो बेटा जब ये ढुई नीचे गिरेगा तो क्या होगा? ढुई, सर पता नहीं, ढुई होगा, है ना। तो ये ढुई स्प्रिंग खिंच गई थोड़ी, ए यहां पहुंच गए, है ना। मान लेते हैं कितना नीचे आ गए, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस नीचे आ गए। अच्छा बेटा अब हम बात करें कोई एक्सटर्नल फोर्स, नो मास्टर, कोई फ्रिक्शन वगैरह, नो मास्टर, दैट मींस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स है, ना ही फ्रिक्शन है, तो इनिशियल मैकेनिकल, फाइनल मैकेनिकल। बेटा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? इसी को रेफरेंस मान लें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। बेटा स्टार्टिंग में स्प्रिंग कैसी है? अनस्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेच्ड है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। और यहीं पे मैंने बेटा रेफरेंस मान लिया, यहीं पर रेफरेंस मान लिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया। तो बेटा इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी भी जीरो होने को मांगता है, यस और नो? इनिशियल बेटा जीरो, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो, रेफरेंस लाइन यहीं पे है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनल की बात करें बेटा, फाइनली स्प्रिंग x खिंच चुका है, तो फाइनली स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। और मास x हाइट नीचे गया है रेफरेंस से, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx। बेटा ये दोनों बराबर होंगे, जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है उतना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में फायदा हुआ है। ग्रेविटी ने वर्क करके नीचे खींच लिया इसको, कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क करके नीचे खींचा है, तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स, जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है उतना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में फायदा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस एम जी। मैंने दोनों जगह की सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी लिखी, यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर,
और ग्रेविटेशन पोटेंशियल माइनस एम जी एक्स। तो बेटा यहाँ से एम जी एक्स मेरे को x निकालना है, तो x की एक वैल्यू जीरो होगी, बोलेंगे नहीं, अब तो सिखा दिया है रूट, तो टू इधर आ गया जीरो, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। टू को यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टू एम जी एक्स। हाँ, अब यहाँ से x को कॉमन लेंगे, अब तो सीख गए हो, तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस टू एम जी इक्वल टू जीरो। तो एक तो x की वैल्यू जीरो होगी, वो तो होगा नहीं स्ट्रेचिंग, है ना। दूसरा के एक्स इज इक्वल टू टू एम जी हो जाएगा, या के एक्स माइनस टू एम जी इक्वल टू जीरो। सो के एक्स इज इक्वल टू टू एम जी, एक्स इज इक्वल टू टू एम जी बटे के। तो बेटा यही स्ट्रेचिंग होगी। ये मैंने बता भी दिया था आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते वक्त कि अगर सडनली रिलीज करोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो 2mg by k, क्लियर, 2mg by k। ये मैंने लॉज ऑफ मोशन बता दिया था, इसको स्लोली स्लोली रिलीज करो तो mg by k, सडनली रिलीज करो तो 2mg by k। ngx नीचे आया, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग ने हाफ के एक्स स्क्वायर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर शुड बी नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जीरो, फाइनल शुड बी जीरो। तो जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू आर गेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज एम्स 1999। क्या सवाल है? सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड। ओके, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज, शुरुआत में स्प्रिंग कैसी है बेटा? अनस्ट्रेच्ड है। शुरुआत में जो स्प्रिंगवा है वो कैसा है? अनस्ट्रेच्ड है। तो बेटा स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना। स्टार्टिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, है ना। स्टार्टिंग में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अच्छा, ध्यान से देखो क्या पूछा है सवाल में। देखो दिमाग लगाना होता है सवाल में। ये कैसा है? अनस्ट्रेच्ड है। अब जरा ध्यान से देखो, द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये मास नीचे गिरेगा आई से, मान लो ये x डिस्टेंस नीचे गिर पड़ा, है ना। यही तो होगा भाई, ये 2m है, वो m है, ये इधर नीचे 2mg से गिरेगा, है ना। ये x डिस्टेंस नीचे आया, तो ये मास भी x डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा, ये तो वर्टिकली तो होगा नहीं, तो ये मास भी बढ़ के मान लो यहां पहुंच गया, कितना डिस्टेंस x, और स्प्रिंग भी बेटा कितना स्ट्रेच हो जाएगी? स्प्रिंग भी x स्ट्रेच हो जाएगी। बात समझ में आई? सभी कितना कितना मूव कर चुके होंगे, सभी x x x मूव कर चुके होंगे, तो यही तो होगा ना इस सवाल में। इस पे फोर्स लगेगी, ये नीचे आएगा, कितना नीचे आया x, ये मास हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेगा, है ना। सर ऐसा तो नहीं होगा कूद के ऊपर से? नहीं नहीं, वो ऐसा सिचुएशन ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा भी दिमाग मत लगाओ कि सर अगर कूद के ऊपर से, है ना। और स्प्रिंग भी खिंच जाएगी, कितनी खिंच जाएगी? x खिंच जाएगी। अच्छा बच्चों, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या खेल हो रहा है? बी लॉस कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नीचे जा रहा है, और स्प्रिंग में गेन हो रही है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ए को देखो, ए कोई खेल नहीं खेल रहा, ए यार जिस लाइन पे था उसी लाइन पे हॉरिजॉन्टली, है ना, यानी वर्टिकली ना ऊपर जा रहा ना नीचे आ रहा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज नहीं। तो यार ए को तो गोली मारो, ए ने कुछ किया ही नहीं है, है ना। भैया हम क्या खेल रहे हैं? हम खेल रहे हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी का खेल। यहाँ फ्रिक्शन वगैरह है नहीं लिखा है, स्मूथ सरफेस नहीं लिखा है, फिर भी मानना पड़ेगा। जब तक ना लिखा हो तब तक तो मानते ही हैं। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है यार। ए की तो जो एनर्जी थी वही है, तो ए को तो खेल से हटा ही दो यार, वो तो कॉन्स्टेंट ही, वो तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। गड़बड़ कौन कर रहा है? बी और स्प्रिंग। बी क्या कर रहा है? एक्स डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और स्प्रिंग एक्स खींच रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो अगर हम ध्यान दें तो हम यही बोलते हैं ना, देयर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल। देखो करने के बहुत तरीके हैं, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, भाई ये जितना लॉस करा रहा है उतना ये गेन करा देगा, नेट मैकेनिकल एनर्जी सेम रह जाएगी। तो बेटा ये कितना लॉस करा रहा है? 2mgx। अब माइनस मत लिख देना, लॉस तो लिख ही चुके हो ना, ये जितना लॉस कराया उतने उतना गेन कराया, नेट क्या आया? जीरो आया। नेट चेंज क्या आया? जीरो आया।
कई लोग कह रहे हैं सर ये तो -2 mg/x होना चाहिए, टुक 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 टुक। अरे मैं ये कह रहा हूँ जितना इसने नुकसान कराया इसने उतना फायदा कराया। अरे यार ये जो पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई वो इसने लॉस कर दी, तो नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो, मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया। इसने कितनी लॉस की, 2 mg/x, इतने कितने गेन की, 1/2 kx2। अब कहोगे x नहीं काटना है यार, x इज इक्वल टू जीरो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो काट सकते हो, अब नहीं काटेंगे तो 4 mg/x क्यों नहीं काटेंगे, वही ना प्रतिष्ठा सम्मान है ना। तो क्या होगा बेटा, यहां से इसको इधर ले आओ, x कॉमन हो जाएगा तो हमें मिलेगा 4 mg/kx=0। एक आंसर x इक्वल टू जीरो होगा जो कि है नहीं, 4 mg = kx दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां से x = 4 mg/kx = 4 mg/kx। ये सब मेंटोस जिंदगी मेथड है, अब इसमें कोई और इतनी देर से तुमको, अब वही है नाम नहीं लिखो तो लोग नहीं मानते हैं, जब लिख दो मेंटोस जिंदगी, क्या मेथड बताया सर ने। अरे जब फिजिक्स का टीचर पढ़ाता है तो मेथड बताता रहता है अंदर, ठीक है। बात समझ में आई, यहां कहां यार रेफरेंस लेवल माने, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल। अपने को पता है कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना है, इसने क्या कराया, नुकसान कराया, इसने क्या कराया, फायदा कराया, तो नुकसान और फायदा बराबर, नफा और नुकसान बराबर कर दो, है ना भैया, तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ये कितना नुकसान कराया, 2 mg/x, ये कितना फायदा कराया, 1/2 kx2, दोनों को बराबर कर दो, जितना इसने गेन कराया उतने इसने लॉस कराया, नेट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। क्लियर हुई बात, अब चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि बच्चों आप यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लेना और अपना जीवन बर्बाद कर लेना, ये रेफरेंस हो जाएगा। इनिशियली बेटा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इनिशियली बेटा इस मास की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से एच हाइट ऊपर mgh और इसकी जीरो हो जाएगी। बाद में बेटा हम देखेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx2, मतलब आप यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लो और सवाल थोड़ा लंबा कर लेते हैं, फिर हम लिखेंगे mi = mf। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो a जो है वो रेफरेंस लाइन से h हाइट ऊपर है तो mgh हो गया, b रेफरेंस लाइन पे है जीरो हो गया, स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं तो यहाँ mgh लिखेंगे। फाइनल की अगर हम बात करें तो a अभी भी उतनी ही हाइट पे है तो mgh हो गया, mgh इस तरफ भी लिखा इस तरफ भी कैंसिल हो गया इसीलिए मैंने ये को नहीं लिया था। b बेटा नीचे चला गया है तो हम लिखेंगे -2 mg/x इस तरफ पे, और स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई है तो हम लिखेंगे +1/2 kx2। अब mgh कट चुका है, -2 mg/x + 1/2 kx2, -2 mg/x को मैं इस तरफ लाऊंगा तो यही एक्सप्रेशन तो बन जाएगा। मजा आया, आगे बढ़े चलो। हाँ CBSE IPMT 2001, आओ भैया देखें क्या दिया है सवाल। अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75 and 2 meters respectively. इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, तो देखो बढ़िया सा स्विंग झूला बनाया है, इसके ऊपर एक चाइल्ड बैठा है, इसको बैठा देते हैं और ये क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो मान लेते हैं यहाँ पे अपना ग्राउंड है भैया, ठीक है, तो ये मिनिमम हाइट हो गई, कितनी दे रखी है मिनिमम हाइट 0.75 meters एंड मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुंचा ये कितनी दे रखी है 2 meters। इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, तो बेटा मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, यहाँ पे आके तो इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, जब सबसे ऊपर आएंगे स्पीड घटेगी घटेगी ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ आके तो स्पीड जीरो हो जाएगी, और जब ये नीचे जाएगा तो स्पीड गेन होती जाएगी गेन होती जाएगी गेन होती जाएगी, यहाँ जाके स्पीड कैसी हो जाएगी इसकी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है, यही तो बोला है इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, भैया जब आप झूले बैठोगे ऐसे ऊपर जाते हो धीमे हो जाते हो और जब नीचे आते हो धड़ से लगती है कि नहीं, है ना डर लगता है नीचे आके, कॉट से रुकते हैं क्योंकि बहुत तेज स्पीड हो जाती है, किस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ती है जस्ट रुकने से पहले, तो यहाँ पे जस्ट रुकने से पहले स्पीड मैक्सिमम और वहां पे तो जाके जीरो हो जाती है, तो हमें यहाँ पे स्पीड चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं इसको बोल देते हैं चलो ए, और एक पॉइंट ये ले लेते हैं इसको बोलते हैं बी। अच्छा अब कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स,
तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पे लगा सकते हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, है ना. अब देखो इस बार दोनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो इस बार ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी. तो बेटा ए की बात करें, ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg into 2. काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ए पे आके रुक गए हैं. बी की बात करें, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg into 0.75, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. बेटा m मर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो ये हो जाएगा 4g इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई किया 2 into 1.75, तो ये हो गया 1.5g और ये हो जाएगा वी स्क्वायर. यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4g माइनस 1.5g, तो कितना हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5g हो जाएगा, है ना, यानी 2.5 into 10, तो ये कितना हो गया 25. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 meter per second, यही मैक्सिमम स्पीड होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड लोएस्ट पोजिशन b पे होगी, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो गई, 5 meter per second. क्लियर है. चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट. हाँ ये बढ़िया सवाल है, क्या है, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजिशन, यहां से छोड़ा. If the length of the pendulum is 2 meter, ये 2 meter है. The bob of pendulum is released from a horizontal position. Length of the pendulum is 2 meter. What is the speed of bob with which the what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point? Assume that 10% of its energy is dissipated against air resistance. बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा इस बार, इस बार मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है. देखो बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो यहां से हमने खेल को शुरू किया, यहां से खेल शुरू हुआ, ये हो गया इनिशियल पॉइंट. इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2 meter, व्हाट इज द स्पीड विथ विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पोजीशन, यहां पे हमसे स्पीड पूछ रहा है. Assume that 10% of its energy is dissipated against air resistance. यानी यहां से यहां, ये initial, ये final. यहां से यहां आते वक्त 10% energy चली गई, तो energy पूरी तरह से conserved नहीं है, है ना? अगर हम यहां मान लें mechanical energy को m initial और यहां मान लें mechanical energy को m final, तो बेटा यहां से यहां आते वक्त 10% energy loss हो गई. यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल की 90%, भाई 10% उड़ गया. मान लो यहां आप 100 जूल एनर्जी के साथ चलते, तो रास्ते में 10 जूल कहां चला गया, अज्यूमिंग दैट 10% ऑफ एनर्जी इट्स डिसिपेटेड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. तो अगर 100 जूल से चलते तो यहां आके कितना बचता, 90 जूल. यानी कहने का मतलब जो फाइनल पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी है वो 90% है इनिशियल पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी की. 10% खर्चा हो गया एयर रेजिस्टेंस में, एयर के अगेंस्ट धक्का लगाने में, बचा कितना, 90% बचा. तो यहां पे आप कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, दिमाग लगा सकते हो भाई, तो दिमाग लगा दिया हमने कि भैया हम वहां से 100 के साथ चले थे, 10 खर्चा हो गया, यहां 90 बचा. सो मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजिशन इज 90% ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजिशन. इसके बाद बेटा अब सवाल बहुत आसान हो गया. एक काम करते हैं हम लोग, रेफरेंस कहां मान लें, यहां मान लें रेफरेंस, तो यहां मैंने मान लिया रेफरेंस, यहां मैंने मान लिया रेफरेंस. अगर हम बात करें इनिशियल पॉइंट पे, तो बेटा क्या बोला है, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड, यहां से रिलीज किया है, तो बेटा यहां पे स्पीड कितनी होगी, जीरो, है ना. यू कितना होगा यहां पे, यू या वी बोल ले, यू बोलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज होगी. रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजिशन, तो यहां स्पीड कितनी है, जीरो, तो यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg into h, h किसके बराबर होगा, इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना, यहां पे. और जब यहां पहुंचेंगे बेटा, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि यहीं पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. तो फाइनल पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, चाहो तो ऐसे लिख लो, यू फाइनल प्लस के फाइनल, चाहो तो लिख लो, इज इक्वल्स टू 90% मतलब 90/100 ऑफ U initial प्लस K initial, है ना, वहां से आते वक्त 90% एनर्जी बच रही है, तो जो फाइनल है वो इनिशियल का 90% है.
तो फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक इज 90/100 इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक। फाइनली बात करें तो बेटा यहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि रेफरेंस लाइन पे हो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90/100। यहां पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एम जी इंटू एल, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि रिलीज किया गया है। बेटा यहां से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास एक पेज और है बहुत बढ़िया, एम और एम कैंसिल हो गया, क्या बचा v square by 2 is equals to 90/100 into g into l। बेटा वैल्यू रख देते हैं v square by 2 is equals to 90/100 into 10 into लेंथ दे रखी होगी 2 meter, ठीक है। तो इस 2 को इधर भेजते हैं v square is equals to ये जीरो कैंसिल 9 into 2 into 2, सो v इज इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट करेंगे 9 का रूट 3 आ जाएगा और 2 बार है तो 1 बार आ गया, स्पीड कितनी हो गई 6 meter per second। तो किस स्पीड से पहुंचे अपन 6 meter per second से, क्लियर है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ही बेस सवाल है, कंजर्व नहीं है कुछ खर्चा हो गई, कितने परसेंट कंजर्व्ड है 90% कंजर्व्ड है। तो इस तरह से भी खेल खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो किस सवाल एग्जाम में आ रखा है EAMCET, ठीक है 2015 सवाल, अच्छा इसलिए ले लिया। अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल सच दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ हैंग ओवर वन एज, आधा हैंग कर रहा है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां से हमने रेस्ट से छोड़ा, द वेलोसिटी विथ विच इट लीव्स द टेबल, क्या हुआ इसका आधा पार्ट यहां पे है ना, इसकी लेंथ कितनी है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, यानी L by 2 यहां पे है और L by 2 लेंथ यहां पे है, ठीक है, इसको यहां से हमने रिलीज कर दिया है ना, सच दैट हाफ लेंथ हैंग्स ओवर वन एज, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां से आपने इसको रिलीज किया, जैसे ही रिलीज करोगे क्या होगा, धर चेन नीचे गिर गया, ऐसे पकड़ के रखा था हमने, आधी इधर आधी इधर, यहां से फोर्स लग रही होगी m by 2 into g है ना, आधा मास इधर है आधा मास इधर है, तो m by 2 into g नीचे खींच रहा होगा तो धर गिरेगी, बोल रहा है द वेलोसिटी विथ विच इट लीव्स द टेबल। अब देखो यहां कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं हम लोग। तो ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन, और हम क्या बनाएंगे फाइनल कंडीशन है ना, ये इनिशियल मान लेते हैं द वेलोसिटी विथ विच इट लीव्स द टेबल, तो बेटा ये हम मानी इनिशियल पोजीशन, और फाइनल में क्या होगा इट लीव्स द टेबल, और बना लेते हैं फाइनल ऐसे ऐसे, द वेलोसिटी विथ विच इट लीव्स द टेबल, तो फाइनली क्या होगा पूरी चेन ये The velocity with which it leaves the, ये वाला एज है ना, इसका अगर हम यहाँ पे कुछ चिन्हित कर दें, यहाँ पे इसको ऐसे बना दें, तो ये वाला जो एज है वो यहाँ पहुंच जाएगा, The velocity with which it leaves the table, ये इनिशियल हो गया और ये हो गया हमारा फाइनल। अच्छा अब एक काम करते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, मुझे जो रेफरेंस पॉइंट अच्छा लग रहा है वो ये लग रही है ये लाइन, हो सकता है आपको कोई और लाइन अच्छी लगे, आप वहां पे रेफरेंस लेके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, तो मुझे ये रेफरेंस अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया रेफरेंस, ठीक है मैंने ये ले लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक। अच्छा इनिशियली बात करें बेटा L बाई 2 लेंथ लटक रही है, ठीक है पूरी चेन का मास क्या हमें दिया है क्या नहीं दिया है, मान लेते हैं कि पूरी चेन का मास क्या है L लेंथ का मास m है, तो L by 2 का मास कितना होगा m by 2 हो जाएगा, तो m by 2 मास कहां पे ऐड करेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास, यहां कितना मास ऐड करेगा m by 2 है ना, कितना m by 2, यहां से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा बेटा L by 4 पे हो जाएगा, यस और नो, अपने को रेफरेंस से डिस्टेंस चाहिए तो L by 4 पे हो गया, और M by 2 कहां पे है रेफरेंस लाइन पे, तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और M by 2 कहां पे है इसके आधे पे L by 4 पे। अच्छा जब ये लीव करा बेटा तो सारा का सारा मास इधर आ चुका है, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा जी, ये पूरी लेंथ L हो जाएगी क्योंकि पूरी की पूरी चेन नीचे गिर चुकी है,
और इसका मास कितना होगा m, कहां पे ऐड करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। इस बार बेटा ये जो मास m है कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे। इस बार ये यहां से कितना नीचे होगा, l by 2 नीचे होगा सेंटर ऑफ मास। बस बेटा अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। यहां पे ये किस पे है, रेस्ट पे है। यहां पे बेटा ये मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, हमने माना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। तो अपन अब लगा देते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ठीक है, कहां लिखा जाए, यहीं लिख लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो बेटा इनिशियल अपने पास क्या है, सिर्फ पोटेंशियल है, फाइनली पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है, तो ऐसे लिख लेते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल भी है और काइनेटिक नहीं है, फाइनली पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा इतने मास की तो जीरो होगी जो रेफरेंस लाइन पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस एम जी एच, और कितना मास है, एम बाई टू। सो माइनस एम बाई टू इंटू जी इंटू एल बाई टू, बोलो सही है, माइनस एम जी एच, और इसकी कितनी हो गई, जीरो, और रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली बेटा एम मास कितना नीचे है, एल बाई टू नीचे है, किधर है, नीचे है, सो माइनस एम जी एल बाई टू, बोलो सही है, पूरा का पूरा मास आ चुका है ना, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, द वेलोसिटी विथ विच इट लीव्स द टेबल, जस्ट लीव की है, लीव कर गई, यानी पूरा मास हैंग कर रहा है, कहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, माइनस एम जी एल बाई टू, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, देखो कमाल की बात है, एम 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 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ माइनस जी एल बाई फोर इज इक्वल्स टू माइनस जी एल बाई टू एंड प्लस वी स्क्वायर बाई टू, है ना, पूरे को अगर हम चार से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस जी एल, ये हो जाएगा माइनस टू जी एल, और ये हो जाएगा टू वी स्क्वायर। इसको इधर लाएं, टू जी एल माइनस जी एल कितना हो गया, जी एल इज इक्वल्स टू टू वी स्क्वायर, ये आ रहा है, जी एल इज इक्वल्स टू टू वी स्क्वायर। क्या अपने को लेंथ दे रखी है, नहीं, अपने को वेलोसिटी निकालनी है, बोलो सही किया है अपन ने, माइनस एम जी एल बाई फोर होगा। अच्छा यहाँ गलती की है, देखो माइनस एम जी एल बाई फोर, अब तक कमेंट में जान निकाल दी होगी, मास्टर गलत हो गया, माइनस एम जी एल बाई फोर, तो यहां से ही पूरा मिटाल लेते हैं, मास्टर आपने इतने सेकंड पे गलती कर दी, कई लोग वीडियो आगे नहीं देखेंगे। हाँ। तो कितना हो गया, माइनस एम जी एल बाई फोर हो गया, अब कितना हो जाएगा, माइनस जी एल बाई एट इज इक्वल्स टू माइनस जी एल बाई टू प्लस वी स्क्वायर बाई टू, दोनों तरफ चार से मल्टीप्लाई करो, आठ से कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एल, ये आठ से मल्टीप्लाई हुआ माइनस फोर जी एल, आठ से मल्टीप्लाई हुआ फोर वी स्क्वायर, सो फोर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा फोर जी एल माइनस जी एल कितना हुआ, थ्री जी एल, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई थ्री जी एल बाई फोर, वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट थ्री जी एल बाई फोर, v की वैल्यू अंडर रूट थ्री जी एल बाई फोर, अंडर रूट थ्री जी एल बाई फोर, अंडर रूट थ्री जी एल बाई फोर। अब अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में दिखता है तो क्या इतनी लंबी अप्रोच लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, मेंटॉस जिंदगी मेथड लगाएंगे। मेंटॉस जिंदगी मेथड क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखें, अगर इसके अंदर हम मेंटॉस मेथड अप्लाई करें, अपने पास जगह नहीं बची, इसके अंदर हम मेंटॉस मेथड अप्लाई करें, यहीं पे बना लेते हैं मेंटॉस मेथड, इतने में हो जाएगा काम। अगर इसका हम मेंटॉस मेथड देखें, ये थी आम जिंदगी, अब आई मेंटॉस जिंदगी। तो मेंटॉस जिंदगी क्या कहती है कि अगर आपको ऐसा सवाल मिलता है जिसमें चेन की लेंथ को हम कैपिटल एल मान लें, चेन की लेंथ को हम कैपिटल एल मान लें, लटकने वाली लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, लटकने वाली लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, तो किस वेलोसिटी से ये लीव करेगी टेबल को, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बटे लेंथ ऑफ द चेन ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म। लटकने वाली लेंथ को हम क्या मान लें, ये जो लेंथ लटक रही है, ये जो लेंथ लटक रही है, इसको यदि हम x मान लें तो सीधा v इज इक्वल्स टू g बाई एल, एल क्या है टोटल लेंथ, x क्या है जो लेंथ लटक रही है, तो देखो g बाई एल अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस कितना लटक रहा है l बाई टू, तो यहां पे l बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कितना है पूरी लेंथ क्या है इसकी
L है और x कितना है L by 2, तो L square by 4, L square minus L square by 4 कितना हो गया 3L square by 4, तो 3GL, एक L से L cancel हो जाएगा, 3GL by 4 answer, बोलो clear है। तो मेंटोस जिंदगी से सीधा सीधा हमें formula मिल गया, क्या formula है मेंटोस जिंदगी से, अपने पास जगह नहीं तो यहीं पे बताना पड़ रहा है ना, क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट g बाई l, l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, l है बेटा इसकी कंप्लीट लेंथ और x है जो लेंथ ऑलरेडी हैंग कर रही है ना, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये l बाई 2 रखोगे जब x की जगह, तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4, 3l स्क्वायर बाई 4, एक l l कैंसिल हो गया, 3gl by 4, अंडर रूट 3gl by 4, अंडर रूट 3gl by 4, क्लियर है, यहां भी चाहो तो लिख दें, v is equals to अंडर रूट g बटे l अंडर रूट, सॉरी, अब मैं एग्जाम में ऐसे आपको समय बचाना होगा बहुत से सवालों में, तो आपको 500-600 फॉर्मूले तो इस तरह के याद रहने चाहिए, पूरा सिलेबस जब तक खत्म होगा तो 500-600 इस तरह के शॉर्टकट मेंटोस मेथड आपको याद रहेंगे। अब ये सवाल तुरंत हो जाता अगर अपने कोई फॉर्मूला पता होता कि भाई लटकने वाली लेंथ कितनी है, एल बाई टू है, टोटल लेंथ कितनी है, एल है, यहाँ एल माइनस एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, 3L स्क्वायर बाई 4, एक एल से एल कैंसिल, अंडर 3GL बाई 4 मार के आगे बढ़ जाते, तो इतना लंबा पूरा खेल हमें नहीं करना पड़ता, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग सीबीएसई एआईपीएमटी 2009 के सवाल पे, सवाल क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, तो ये बॉडी है इसका मास 1 kg है, इसको ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s, इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 m, यहां से कहां तक पहुंचा बेटा ये, यहां से यहां पहुंच के ये रेस्ट पे आ गया, जाहिर सी बात है एक समय जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस, इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में, अभी इसके पास काइनेटिक है, जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, कितनी हाइट ऊपर गया, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 m, तो 18 m ऊपर जाके ये रुक गया। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अब ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, कुछ एनर्जी लॉस हो गई, बड़ा आसान है बेटा, यहां जितनी काइनेटिक एनर्जी है यहां उतनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए थी, है ना, यहां पे कितनी काइनेटिक एनर्जी आओ देख ले हम लोग, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 1 × 20 का स्क्वायर 400, कितनी हो गई 200 जूल, और यहां पे कौन सी एनर्जी होगी, रेस्ट पे आ गया है, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, रेफरेंस ये मान लो यार, ये रहा रेफरेंस, है ना, ये रेफरेंस हो गया, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी हो जाएगी, एम जी एच, एम कितना है 1, जी कितना 10, एच कितना 18, कितनी हो गई 180 जूल, तो बेटा यहां से कितनी एनर्जी देके भेज रहे हो 200 जूल, यहां जाकर कितनी कन्वर्ट हुई 180 जूल, तो 20 जूल कहां गायब हो गई, है ना, 200 जूल देके भेजा था, 180 जूल पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ, तो 20 जूल कहां चली गई, एयर फ्रिक्शन में, जाहिर सी बात है 20 जूल लॉस्ट हो गया एयर फ्रिक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीबीएसई एआईपीएमटी 2007, चलो क्या है, अ वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के, ये रही अ वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, अ बॉल ऑफ मास एम एट हाइट एच अबव द फ्री अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग, अ वर्टिकल स्प्रिंग विथ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल, a ball of mass m, a ball of mass m at height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d, isko choda humne ye yahan se mechanical, iske paas kya hai potential energy, to usko convert hote 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 yahan pe kinetic energy, aur jab spring ko compress karegi to spring potential energy, the net work done in the process is, humse pooch raha hai
की नेटवर्क डन कितना है, द नेटवर्क डन इन द प्रोसेसेस। अच्छा पहले सोचते हैं क्या बता रहा है, चलो यहां से देखते हैं। ऑफ द स्प्रिंग फॉल्स वर्टिकली ऑन द स्प्रिंग सो दैट द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस डी, है ना। तो बात की सिचुएशन सोचते हैं बेटा, ये इनिशियल है, फाइनली क्या हुआ कि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कितना कंप्रेस हुई, डिस्टेंस डी कंप्रेस हो गई और बॉल हमारी यहां पहुंच गई। स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और बॉल हमारी यहां पे पहुंच गई, ठीक है। यही तो बता रहा है कि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कितना कंप्रेस हुई, यहां से डी डिस्टेंस स्प्रिंग कंप्रेस हो गई और बॉल पहुंच गई। द वर्क डन इन द प्रोसेस, बहुत आसान है बेटा, यहां कौन कौन वर्क करेगा ये सोचो। जब बॉल नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही होगी, तो एक तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सोचना चाहिए। और कौन वर्क करेगा बेटा, जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई, हम नहीं कर रहे, एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है इसमें, कुछ नहीं, हमने तो बॉल को छोड़ दिया, बॉल को छोड़ा, बॉल नीचे आ रही है। दो कंजर्वेटिव फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉल को नीचे खींच रही है, एक तो वो वर्क करेगी, दूसरा जैसे ही बॉल स्प्रिंग को दबाएगी, स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, उसका दम घुटेगा, बॉल उसको आगे इसे दबाएगी, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाएगी, तो एक वर्क कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पड़ेगा और वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, सिंपल है। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं बेटा, नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी mg और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h नीचे आया और d भी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक तो h नीचे आया और कितना डिस्प्लेस हुआ, d नीचे डिस्प्लेस हुआ, फोर्स कितनी लग रही है नीचे की तरफ, mg लग रही है, तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना h प्लस d का डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा बोलो सही है, ये यहां आया ना h प्लस डी, तो बेटा फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी बेटा सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट में होते थे माइनस एफ एस लिखते थे, फोर्स कितनी है बेटा एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है h प्लस डी। कई लोग सोच रहे हैं यहां माइनस लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा यार, जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस, भाई ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहती थी और अल्टीमेटली वो नीचे आ गई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव। अब स्प्रिंग के वर्क डन की बात करते हैं, आराम से सोचो, स्प्रिंग का वर्क डन कहीं ना कहीं किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू के, है ना, माइनस डेल्टा यू के होता है, दिमाग लगाएंगे अपने आप समझ में आएगा। मुझे ये बता दो स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आराम से सोचो, जब ये बॉल स्प्रिंग को दबाएगी, देखो एक तो डेफिनेशन से कर सकते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, तो यू इन द फाइनल पोजीशन माइनस यू, एक तो ऐसे कर सकते हो, एक दिमाग से भी कर सकते हो, दोनों तरह से करेंगे, पहले दिमाग से करते हैं, पहले दिमाग से करते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये तो सबके दिमाग में है यार, कहीं ना कहीं डेल्टा यू से रिलेटेड होगा, है ना, या तो माइनस डेल्टा यू होगा या डेल्टा, या छोड़ो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्प्रिंग की, जीरो है, फाइनली कितनी हो जाएगी, हाफ के डी स्क्वायर। अब जरा सोचो जब बॉल स्प्रिंग को दबाएगी तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, मुझे बताओ, जब बॉल स्प्रिंग को दबाएगी तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगी और ये कंप्रेस किधर हो रही है, नीचे हो रही है, सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ के डी स्क्वायर। भाई स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो वर्क डन माइनस हाफ के डी स्क्वायर, खत्म, है ना। अब चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, बेटा स्प्रिंग कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, है ना, ऑफ स्प्रिंग, डेल्टा यू क्या होता था, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चलो माइनस को बाहर रखते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग की, चलो यू फाइनल बेटा कितना हो जाएगा, डी कंप्रेस हो गया, कितना होगा, हाफ के डी स्क्वायर, स्प्रिंग चाहे डी कंप्रेस हो चाहे डी स्ट्रेच हो, हाफ के डी स्क्वायर, और यू इनिशियल कितना होगा बेटा, स्प्रिंग का शुरुआत में अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस्ड कितना हुआ, जीरो, यहां से देखो इस पे माइनस साइन कॉपी हो गया, माइनस हाफ के डी स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग, चाहे ऐसे निकालो चाहे दिमाग से।
सो टोटल वर्क डन क्या हो गया, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, एक स्प्रिंग का वर्क डन। mgh plus d minus half kd square, सही लग रहा है, mgh minus नहीं, mgh plus d plus half kd square, mgh plus d, ये दोनों तो सेम ऑप्शन है, plus half kd square, ये दोनों तो सेम ऑप्शन रिपीट किए हैं और ये सही आंसर है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है और स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव है। अब चाहो तो ऐसे कर लो, वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए माइनस डेल्टा यू लगा दिया हमने, डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग, यू फाइनल ऑफ स्प्रिंग माने यू इनिशियल ऑफ स्प्रिंग, यू फाइनल क्या होगा हाफ के डी स्क्वायर, यू इनिशियल जीरो, आंसर आ गया, क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, आज के पार पे, अभी इसमें भी बढ़िया सवाल लेके आए हैं। चलो बच्चों पार क्या होता है सबको पता है, पार इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, पार इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। पहला है एवरेज पावर, तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो या तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हो सकता है या तो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यही तो बोला है, और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। फिर आया इंस्टेंटेनियस पावर, तो बेटा पी इंस्टेंटेनियस कितना होता है, पी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अच्छा डी डब्ल्यू को क्या हम लोग एफ डॉट डी एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन डी टी, बेटा डी एस बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, सो एफ डॉट वी, तो ये भी इंस्टेंटेनियस पावर होती है, एफ डॉट वी, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस पावर का, एफ डॉट वी, और सिंपल फॉर्मूला भाई एवरेज क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में dy बाई dx लग जाता है, तो dw डब्ल्यू बाई डी टी, डी डब्ल्यू क्या हो गया एफ डॉट डी एस, अब ds by dt velocity बन जाता है, तो f dot v भी बड़ा important formula है और ये भी बड़ा important formula है, ये भी बड़ा important formula है, ये भी बड़ा important है, clear है, तो ये average power हो गई, ये instantaneous power हो गई। चलो आओ सवाल देखना start करते हैं। अच्छा पहले कुछ कहानी, power is a scalar quantity, हाँ भाई पता है, SI unit of power is watt, ये सब तो मेरे बच्चों को पता है, other unit is horse power, one horse power is 746 watt या 750 watt जो भी दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो ये ले लेना। रिमेंबर किलो वाट आर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट पार, हाँ एक बात ये याद रखना कि किलो वाट आर ये किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होती है, बेसिकली इट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, देखने में लगता है कि वाट है इसमें, वाट है तो पार होगी, है ना, जूल पर सेकेंड, बट ऐसा होता नहीं है, किलो वाट आर भी लगा है, तो ध्यान से देखो ये पार की यूनिट हो गई, ये टाइम की, है ना, किलो वाट ये किसकी यूनिट हुई, पार की, और आर किसकी यूनिट है, टाइम की, तो पार इनटू टाइम बेटा एनर्जी नहीं बन जाएगा, पार इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम था, बोलो समझ में आया, तो किलो वाट आर जो होता है ये किसकी यूनिट होता है, एनर्जी की। अगर मैं किलो वाट की बात करूं के डब्ल्यू, तो ये किसकी यूनिट हुआ, ये पार की यूनिट हुआ, तो अगर मैं बोलूं के डब्ल्यू एच किलो वाट आर, तो ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, जाहिर सी बात है बेटा, यहां पे देखो किलो वाट पार से आया, आर टाइम से आया, पार इंटू टाइम क्या होगा, एनर्जी या वर्क हो जाएगा कि नहीं, पार इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, 1 किलो वाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। चलो सवाल करते हैं, सीबीएसई आईपीएमटी 1990, बहुत ही पुराना सवाल। क्या है, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलो वाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो बेटा पार दे रखी है, पूछ रहा है कितना पानी, कितना मास ऑफ वाटर m ले लेते हैं, कैन रेज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कितनी देर में, इन 1 मिनट, कितने समय में, 1 मिनट के अंदर, तो बेटा पार इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, पार कितनी दे रखी है 2 किलो वाट, यानी 2 इंटू 10 टू दी पार 3 वाट, एनर्जी बेटा कितनी ट्रांसफर होगी, अगर ये एच हाइट ऊपर चला गया तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, अगर ये यहां से यहां इतना पानी चला गया, ये पानी है ठीक है, इसे मैंने गोला बना दिया, क्या चीज है पानी, तो एनर्जी ट्रांसफर कितनी हुई, एम जी एच, और बेटा टाइम कितना लगा है, 1 मिनट, चलो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं,
2×10³ m हमें पता करना है, g की वैल्यू 10 ले ली, h की वैल्यू 10 गिवन है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो मर गया, इस जीरो से इधर का एक जीरो कैंसिल हुआ, 6 इधर आ गया, 2×6=12, एक जीरो से कैंसिल हो चुका है तो बचा 100, तो मास कितना हो गया 1200 kg। अब बेटा क्या होता है, पानी की डेंसिटी क्या होती है, 1 kg/L होती है, तो 1200 केजी का बेटा क्या वॉल्यूम होगा, 1200 लीटर हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर 1200 लीटर। क्लियर, पानी की डेंसिटी 1 kg/L, इसलिए घर वाले बोलते नहीं है कि 1 किलो दूध ले आते हैं तो तुम लोग कहते अरे यार पापा दूध है वो, पापा वॉल्यूम होता है उसका, लीटर में मेजर होता है, तो पापा बेकूफ नहीं है, पापा 1 किलो दूध बोल रहे हैं, 1 किलो दूध कितना होता है, 1 लीटर ही होता है, तो एक ही बात है ना, तो वहां पे इतना ज्ञान मत दीजिए। तो m इंटू जी 10 रख लिया, h 10 रख लिया, और 60 मिनट 1 मिनट से डिवाइड कर दिया, 60 सेकंड हो गए, 0-0 कैंसिल, इधर से 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो गया, सी इधर 6 इधर आया, 12×100 1200 kg, विच इज 1200 लीटर। नेक्स्ट क्या है, अ पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर पर आर फ्रॉम अ वेल 100 मीटर डीप। एक पंप पानी निकालता है 100 मीटर डीप कुएं से। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप assuming that its efficiency is 50%। बेटा what is efficiency? Efficiency हो जाता है बेटा power output, power क्या कोई भी चीज का output upon input into 100, ऐसे याद करो। Efficiency हो जाएगा work output upon work input into 100, force output into force input into 100। किसी भी चीज की कभी efficiency दी है तो efficiency क्या होता है, अगर percentage में दे रखी है, अगर एफिशिएंसी परसेंटेज में है ना, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, और अगर एफिशिएंसी फ्रैक्शन में दी है तो सिंपल आउटपुट अपॉन इनपुट। मान लो यहां बोल देता है एफिशिएंसी इज 0.5, ऐसे भी बोलेगा कि इसकी एफिशिएंसी 0.5 है, तब आप क्या करोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट रख लेना। अब आ जाओ क्या है, एक पंप लगा है, पानी निकाल रहा है 1 घंटे में 100 मीटर डीप कुएं से, तो ये कुआं है, कितना गहरा है, 100 मीटर डीप है। यहां एक बाहर पंप लगा रखा है, पंप क्या कर रहा है, इसके अंदर से पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो इस पंप का काम क्या है, पंप की जॉब क्या है, पंप की जॉब क्या है, यहां लगा हुआ है, इसके अंदर से पानी निकाल रहा है, तो कितनी देर में 1 आवर के अंदर कितना पानी बाहर आ रहा है, 7200 kg। तो बेटा ये क्या है, ये तो आउटपुट मिल रहा है ना, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप कि पंप की कितनी पार है, पंप कितनी एनर्जी लगा रहा है, ये तो आउटपुट है कि इतना पानी बाहर आ रहा है 1 घंटे में, हमसे पूछ रहा है कि भैया पंप का पार इनपुट कितना है, यही तो बात हुई ना। अगर हम पंप की बात करें, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द पार ऑफ द पंप। तो बेटा पंप मान लो 100 जूल एनर्जी देता है, तो उसमें से 50 जूल कहाँ चली गई, फ्रिक्शन में चली गई, एयर लॉस में चली गई, अंदर इसके फ्लक्स लॉस हो रहा होगा, मैग्नेटिक लॉसेस हो रहे होंगे, है ना, यहाँ पे हीट लॉसेस हो रहे होंगे, यहाँ तो बहुत से लॉस हो रहे होंगे अंदर, तो उन सारे लॉसेस में 50 जूल चला गया और 50 जूल काम आया पानी बाहर निकालने के। तो बेटा पंप की जो पार होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी, ये इनपुट है, ये हम पार दे रहे हैं, और ये जो बाहर निकल रही है एनर्जी वो आउटपुट है, ये क्या चीज है, आउटपुट। तो हम लोग देखते हैं कि पार आउटपुट कितना है, फिर फॉर्मूला लगा के पार इनपुट निकाल लेंगे, ये तो आउटपुट आपको मिल रहा है। तो व्हाट इज दी पार आउटपुट, अगर हम बात करें व्हाट इज दी पार आउटपुट, पहले ये निकाल लें, तो पार आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी आउटपुट अपॉन टाइम, एनर्जी आउटपुट अपॉन टाइम, कितनी एनर्जी आउटपुट हो रही है 1 घंटे के अंदर, MGH, इतनी ही तो भाई 100 मीटर नीचे से निकाल रहे हो तो इतनी ही तो पोटेंशियल एनर्जी आप इसकी कम कर रहे हो, पानी की कहां से कम कर रहे हो, पंप के जरिए, है ना, सो कितनी हो गई MGH अपॉन जो टाइम लगा, तो पार आउटपुट हो गया, M हो गया 7200, G हो गया अपना 10, H हो गया अपना 100, और टाइम 1 आवर, 1 आवर इज 60×60। बेटा ये 0000 कैंसिल हो गए, 6×6=36 और 36×2=72, तो ये हो गया 2000 वाट। ये क्या है, पार आउटपुट। हमसे क्या पूछ रहा है, पार इनपुट क्या है, तो बेटा 2000 वाट यूज हो रहा है, मतलब 2000 वाट
वेस्ट हो रहा है, 50% एफिशिएंसी बताया है ना, बात समझो। ये तो आपको दिख रहा है, आपको कितना इफेक्टिव आउटपुट मिल रहा है भाई, आप इतना पानी निकाल ले रहे हो, है ना, तो कितनी एनर्जी का आउटपुट है आपके पास, MGH डिवाइड बाई टाइम कर दिया हमने, M इतना निकला, MGH डिवाइड बाई टाइम, ये तो हमें बाहर दिख रहा है कि भाई इतना पानी बाहर आ रहा है, हम अंदर कितना इन्वेस्ट कर रहे होंगे, 50% तो खराब हो रहा है, 50% निकल रहा है, यानी इतना ही खराब हो रहा होगा 2000, तो इन्वेस्ट कितना कर रहे होंगे 4000। अब चाहो तो एफिशिएंसी के फॉर्मूला लगाना, चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, अगला पेज है हमारे पास खाली, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पार आउटपुट अपॉन पार इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 50 इज इक्वल्स टू पार आउटपुट मुझे मिल गया है 2000, पार इनपुट मुझे पता नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखा हुआ है, 51 जा 52 जा, यहां से पार इनपुट कितना हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 वाट, 4000 वाट यानी 4 किलो वाट, है ना, 4000 वाट यानी 4 किलो वाट। नेक्स्ट बेटा, सीबीएसई AIPMET 2008, सवाल को समझना पड़ेगा अपन, वॉटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अच्छा, अब पानी ऊपर से गिर रहा है, कितनी हाइट से गिर रहा है, 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है, वॉटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg/s। अगर एक सेकेंड की बात करें, अगर हम एक सेकेंड की बात करें तो एक सेकेंड में कितना पानी गिर रहा है, 15 kg, कितने टाइम में, एक सेकेंड में 15 kg पानी नीचे आ रहा है। टू ऑपरेट अ टर्बाइन, नीचे एक टर्बाइन लगा है, टर्बाइन को हमें चक्के को घुमाना होगा तभी तो पानी लेके आ रहे हैं, ये हमारा टर्बाइन है ना, तो पानी आएगा टर्बाइन पे गिरेगा और टर्बाइन की ब्लेड्स कट 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 घूमने लगेंगी, है ना, यही तो सारा खेल हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हमने एक टर्बाइन लगा दिया, पानी गिरेगा टर्बाइन की ब्लेड पे और टर्बाइन का चक्का चक 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 बढ़िया मस्त घूमने लगेगा। कितना पानी गिर रहा है, 15 kg एक सेकेंड में, कितनी हाइट से गिर रहा है, 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है। अच्छा, फिर द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ एनर्जी। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है एक सेकेंड में, इसका 10% तो लॉस हो जा रहा है ना, एफिशिएंसी कितनी है, 90%, है ना। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। अब बेटा यहां आउटपुट कहां से मिलता है भाई, पंप तो खुद इनपुट दे रहा था, पानी को बाहर निकाल रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी पिछले वाले सवाल में, है ना, पंप से इनपुट गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल। इस बार खेल अलग है, इस बार पानी ऊपर से गिर रहा है और टर्बाइन घूमेगा, फिर टर्बाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, है ना, ये तो हाइड्रो पावर प्लांट है हमारा, तो यहां क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इस बार ये तो इनपुट हो गया मेरा और टर्बाइन से आउटपुट आएगा, है ना। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, तो ये मेरी इनपुट हो गई, टर्बाइन क्या देगा, आउटपुट। कितना लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं पार आउटपुट कहां से, टर्बाइन से, है ना भाई, इतनी तुमको थोड़ी बहुत साइंस आनी चाहिए ऐसे सवाल करने के लिए, ठीक है, इतना मान रहे नीट वाले, इतना तुमको आता होगा, है ना, कितना तुम समझते हो कि पानी गिरेगा तो उससे टर्बाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, तो कितना आउटपुट मिलेगा टर्बाइन से, बेटा 10% जो एनर्जी गिर रही है, द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेज आर 10% ऑफ एनर्जी, इसका 10% तो लॉस हो गया, तो कितना बचा बेटा, 90%, सो 90% ऑफ पार इनपुट। अब पार आउटपुट टर्बाइन की मुझे निकालनी है, 90/100, पार इनपुट क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, सो 90/100 एनर्जी ट्रांसफर कितना हो गया, MGH/T, सो ये हो जाएगा 90/100 इंटू एम कितना है बेटा जी, 15, जी कितना हो जाएगा 10, हाइट कितनी है 60, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ये हो गया बेटा खत्म। यहाँ से 00 कैंसिल, 15 6 90 15 6 90 90 90 जा 15 6 90 15 6 90, तो 90 × 90 कितना हो गया, 90 × 90 8100 वाट, 8100 वाट, 8.1 किलो वाट, क्लियर है, चलो
नेक्स्ट सीबीएसई एआईपीएमटी 2000 क्या सवाल है. इफ F is equals to इतना and V is equals to इतना then instantaneous power. बेटा instantaneous power का मैंने क्या formula बताया? Power instantaneous is equals to dW by dt और dW को क्या लिख सकते हैं? F dot ds by dt. ds by dt बन गया velocity. So F dot V. तो बेटा मेरे ख्याल से ये formula लगेगा F dot V. F भी पता है, V भी पता है. So power instantaneous is equals to F dot V. बेटा dot plot में क्या करते हैं? I को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 इंटू 2 120, J को J से 15 इंटू माइनस 4 माइनस 60, K को K से माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15, तो ये हो गया 60 माइनस 15 45 वाट, 45 वाट. क्लियर है? चलो नेक्स्ट नीट 2016. अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव under the action of a time dependent force F is equals to 2t i cap plus 3t square j cap newton where i and j are unit vectors along x and y axis. ठीक है, what power will be developed by the force at the time t? What power will be developed by the force at the time t? बेटा ये कौन सी power है? Instantaneous power है. At time t पूछ रहा है तो आपसे instantaneous power पूछ रहा है ना, कि एवरेज पार पूछ रहा है. व्हाट पार विल बी डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी, तो आपसे पार इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, एट टी पूछ रहा है ना, एक गिवन टाइम पे पार पूछा है. पार विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी. ओवर टाइम टी बोलता, ओवर अ टाइम पीरियड टी तो एवरेज पार होती, एट टाइम टी तो इंस्टेंटेनियस. तो बेटा पार इंस्टेंटेनियस क्या फॉर्मूला है? dW by dt और दूसरा फॉर्मूला क्या है? F dot V है ना, ये F dot ds बनेगा और ds by dt ये क्या हो जाएगा? F dot ds, ds by dt V. अब बेटा मुझे फोर्स तो पता है पर मुझे वेलोसिटी नहीं पता है. प्रॉब्लम ये, F तो पता है, V नहीं पता. वर्क डन की तो बात ही मत करो, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है, क्या किया जाए? अच्छा फोर्स दिया है, मास दिया है, एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन से शायद वेलोसिटी भी आ जाए. और ट्राई मारते हैं, है ना, अपने को वेलोसिटी चाहिए, और ट्राई करते हैं. F is equals to m into a लगा देते हैं. फोर्स कितनी है ये, मास कितना है 1 kg, तो एक्सेलरेशन भी इतना ही आ जाएगा, है ना, सेम आ जाएगा कि नहीं, है ना. m into a is equals to F, ऐसे लिखते हैं. मास कितना है 1 kg, सो 1 into a. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मतलब फोर्स का एक्सप्रेशन, 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap, तो एक्सेलरेशन भी यही आ जाएगा. अच्छा अब क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, आओ देखते हैं. सो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap. एक्सेलरेशन क्या होता था बेटा, dv by dt इज इक्वल्स टू 2t i cap प्लस 3t स्क्वायर j cap. बेटा अगर मैं dt को उधर भेज के इंटीग्रेट कर दूं तो काम बन सकता है, तो dt को उधर भेजते हैं. dv is equals to 2t into dt i cap plus 3t square dt into j cap और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें. अब जरा ध्यान से सवाल पढ़ो. A body of mass 1 kg begins to move यानी rest से starting हुई, begins to move यानी rest से starting हुई, तो initial velocity 0 रख दी मैंने, begins to move तो initial velocity 0 जब time 0 है. फिर हमसे पूछा है what power will be developed by the force at the time t, तो जब time t हुआ तब मान लेते हैं velocity v हुई. बेटा F dot V करना है, F पता है, V निकाल लेंगे, है ना, mass पता है, acceleration निकाला है, acceleration से velocity निकालना भाई चुटकियों का खेल है. यहाँ dv का integration क्या आएगा, v, v minus 0, v बचेगा is equals to 2 बाहर आ जाएगा, t का integration बोलो t square by 2 है, इधर भी integration लगा दो 0 से लेके t, हाँ 2 बाहर आ गया, t का integration t square by 2, 2 2 cancel हो गया, तो ये कितना बचा, t square बचा, t square into i cap plus यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, t square का integration बोलो t square का, 3 बाहर आ गया, t square का integration बोलो t square का, t cube by 3, तो 3 3 cancel हो गया, ये क्या हो गया t cube into j cap. लो भैया तुमको velocity का expression भी मिल गया, तुम्हें फोर्स का एक्सप्रेशन पता ही है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता चल गया, खत्म करो ना यार. पार इंस्टेंटेनियस
इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी. बेटा क्या होगा, आई में आई वाला मल्टीप्लाई जे में जे वाला. सो टू टी इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया, टू टी क्यूब प्लस जे में जे वाला. थ्री टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब क्या हो जाएगा, थ्री टी की पावर फाइव. आंसर टू टी क्यूब प्लस थ्री टी की पावर फाइव वाट. बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. सीबीएसई एआईपीएमटी 2010 क्या है. अ पार्टिकल ऑफ मास एम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम टी इज वी द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल. फिर से सवाल पढ़ते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास एम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड जीरो है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया. इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम टी, टाइम टी के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई है, इज वी द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल इज. अब बेटा ये तो बोला नहीं, द पावर एट टाइम टी इज बोला है क्या, द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, इसकी स्पीड बढ़ती गई तो कुछ तो पावर मिली रही होगी इसको. यहां पूछा है पावर डिलीवर टू द पार्टिकल, कैसी पावर की बात हो रही होगी ये, एवरेज पावर की, कि भाई टोटल कितनी पावर मिली इसको, तो किसकी बात हो रही है, कैसे समझे सर हम एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस, कहीं ये तो नहीं लिखा ना, द पावर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, इस जगह पे क्या पावर है ये बोला क्या, कि इस टाइम क्या पावर है ऐसा बोला क्या, ऐसा नहीं बोला, द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल. तो बेटा तो बड़ा आसान है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम, ठीक है. तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई यहां आते आते, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, कितनी मिली, हाफ एम वी स्क्वायर, और कितने टाइम में हुई है, कितने टाइम में हुई है, टी टाइम में, खत्म. हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, ये रहा डी, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, है ना. इतनी काइनेटिक एनर्जी मिली हमसे, क्या पूछा है, पावर डिलीवर्ड, तो पावर डिलीवर्ड टोटल एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम टी, है ना. काइनेटिक एनर्जी इसकी लगातार बढ़ती जा रही है, ये तो मत सोच रहे हो कि लगातार काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही, तो अल्टीमेटली इसको कितना पावर ट्रांसफर किया आपने, हाफ एम वी स्क्वायर, कितने टाइम में, टी टाइम के अंदर. सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 क्या है. अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एक कार है मास एम की, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, रेस्ट से स्टार्ट हुई, एंड एक्सेलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट. ये कार क्या की बेटा, एक्सेलरेट की, एक्सेलरेट की such that, so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude P naught. जो instantaneous power है वो कितनी है, P naught, और P naught क्या है, constant है. अब बेटा इसका acceleration constant है कि variable है, मुझे कुछ नहीं पता, है ना, यहाँ से A हटा ही देते हैं, हमें ये नहीं पता है कि uniformly accelerate की है कि non uniformly, हमें नहीं पता. A car of mass M starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude P naught. The instantaneous velocity of this car is proportional to. मान लेते हैं कि t समय के बाद इस कार की velocity v है. तो हमसे पूछा है जो instantaneous velocity है, है ना, सवाल क्या है, instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो हमने मान लिया कि भाई टी टाइम के बाद एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वी है, तो पूछा है वी किसके प्रोपोर्शनल है. अच्छा बेटा इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी भी होता है और एक एफ डॉट वी भी होता है. बेटा जिस फॉर्मूले से चाहो उस फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएगा. पहले डी डब्ल्यू बाई डी टी से करके दिखाता हूँ, फिर एफ डॉट वी से भी करके दिखाता हूँ. चलो पार इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, आओ इससे करते हैं. बेटा इंस्टेंटेनियस पार कितनी है, लगातार कांस्टेंट है, कितनी है, पी नॉट है. सो पी नॉट इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी. बेटा यहां से डी डब्ल्यू हो जाएगा
दोनों फॉर्मूले सवाल हो जाएगा, है ना। इंस्टेंटेनियस पावर का चाहो तो dw बाई dt लगाओ, चाहे f डॉट v, हमें किसी एक इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, है ना, किसी इंस्टेंट पे टाइम t के बाद। तो हमने कहा पावर इंस्टेंटेनियस इज dw बाई dt, ये लगाते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है, p नॉट, इससे भी हो जाएगा उससे भी हो जाएगा, दोनों से करेंगे। सो dw इज इक्वल्स टू p नॉट इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा। dw का इंटीग्रेशन होगा w, और कहां से कहां चले हम लोग, जीरो से टी टाइम तक चले, है ना। अपन ध्यान से देखें अगर तो कहानी स्टार्टिंग से शुरू हुई जीरो से और टी टाइम तक अपन गए, ठीक है। अच्छा, पी नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डीटी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी माइनस जीरो, ये हो गया वर्क डन। अब बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन क्या होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू टी। बेटा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पी नॉट इन टू टी। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल जीरो, सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी नॉट इन टू टी। बेटा यहाँ से वी स्क्वायर का आपको एक्सप्रेशन मिल चुका है, वी का एक्सप्रेशन मिल चुका है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पी नॉट टी बाय एम। यहाँ से वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू पी नॉट बाय एम इन टू टी, अंडर रूट टू पी नॉट बाई एम इन टू टी। ऑप्शन देखो, टी स्क्वायर इन टू पी नॉट, नो, वी इज प्रपोर्शनल टू अंडर रूट टू पी नॉट टी बाई एम, टी स्क्वायर इन टू पी नॉट नहीं, टी की पावर हाफ, सही है। यहां से देखो वी इज प्रपोर्शनल टू टी की पावर हाफ, है ना, ये तो सही लग रहा है। देखो इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट कोई और ना हो, टी की पावर माइनस हाफ, ये तो गलत है, टी बाई रूट एम नहीं, v अंडर रूट टी बाई एम पे प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टी बाई एम, और यहां क्या लिखा है, टी बाई रूट एम, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो एक तो आपने dw बाई dt से किया, अब आ जाओ इसी को हम लोग करते हैं f डॉट v से, उससे भी हो जाएगा। पार इज इक्वल्स टू f डॉट v, है ना। अब बेटा फोर्स और वेलोसिटी यहां तो हम ये मानेंगे सेम डायरेक्शन में, है ना, जिधर फोर्स लग रही है उधर ही कार एक्सेलरेट कर रही है, उधर ही कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, है ना। तो एफ डॉट वी में हम एफ इंटू वी लगा लेंगे, इतना तो कर ही लेंगे इस समय। सो पार पी इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी, एंगल जीरो डिग्री मान लिया। अच्छा, पार पी बेटा है कितनी, पी नॉट है, इंस्टेंटेनियस पार की बात करें, इंस्टेंटेनियस पार का ये फॉर्मूला भी है, है ना, और इसके पास है कितनी, पी नॉट। फोर्स क्या होगी, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू वी, पी नॉट इज इक्वल्स टू मास। बेटा एक्सलरेशन हटानी पड़ेगी, हमें पता नहीं है यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो ए की जगह डी वी बाई डी टी इंटू वी। बेटा डी टी इधर आ गया, पी नॉट इंटू डी टी इज इक्वल्स टू एम वी डी वी। क्या करें बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेके टी टाइम तक, और यहां वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल भी है, पी नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, डीटी का इंटीग्रेशन टी, एम कांस्टेंट है बाहर आ गया, वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां, जीरो से लेके वी, तो ये वी स्क्वायर बाई टू ही रह जाएगा। तो बेटा हमें मिल गया पी नॉट इन टू टी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू। बेटा सेम एक्सप्रेशन आ रहा है यहां से, अगर आप देखें तो वी स्क्वायर is equals to 2p not t by m, v is equals to under root 2p not t by m। तो same expression आप यहां से भी ला सकते हो और same expression आप यहां से भी ला सकते हो, ये पहला method, ये दूसरा, तो दोनों ही method से आप ये सवाल बना सकते हो। next सवाल देखते, देखो इस तरह के सवाल को tackle करना आना चाहिए। CBSE AIPMT 2015 क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाई अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर k watts। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t इज। अब क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है पार्टिकल में एट टाइम t। ध्यान से, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाई अ मशीन दैट डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर k watt। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी, तो बेटा इसके ऊपर एक इंस्टेंटेनियस पावर कितनी लग रही है, के, है ना, दैट डिलीवर्स कॉन्स्टेंट पावर के वॉट्स, लगातार पावर इंस्टेंटेनियस कितनी है, के वॉट, जैसे पिछली बार पी नॉट पी नॉट पी नॉट मिल रही थी, इस बार लगातार के मिल रही है।
If the particle starts from rest, the force on the particle at time t is. अब t time के बाद पिछली बार v पूछा था, इस बार क्या पूछा है? t time के बाद v ना पूछ के क्या पूछा है? इसके ऊपर लगने वाली force पूछी है। इस बार हमसे क्या पूछ लिया? Force पूछ लिया है। Force के expression दिए हुए हैं। एक काम करो, क्या किया जाए? किससे किया जाए? बताओ। Power instantaneous is equals to dw by dt या it is also equals to f dot v और यहाँ हम ये मानेंगे कि force और velocity same direction में है, है ना? तो dw by dt से कर दें। So power instantaneous is equals to dw by dt। बेटा यहाँ से आप v निकाल लोगे, फिर power is equals to f dot v रख के आप f निकाल लोगे, है ना? इस बार f का expression चाहिए। The force on the particle at time t। पिछले सवाल में क्या पूछा था? देखो उसी का आगे सवाल है। पिछले सवाल में हमसे क्या पूछा था? velocity, instantaneous velocity। तो हमने निकाल ली। अब बेटा power is equals to f into v में power रख दो, v रख दो, f मिल जाएगा। तो पहले आप v निकाल लो। तो यहाँ से power instantaneous कितनी है? k is equals to dw by dt। ये इधर आ गया। dw is equals to k dt। इधर भी integrate, इधर भी integrate। यहां जीरो से लेके t तक dw का इंटीग्रेशन w, ये कहर बाहर, k बाहर आ गया, कहर बाहर कह रहा हूं, k बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t। अब बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कितना होगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी kt। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल इज जीरो, इज इक्वल्स टू kt। यहां से v का एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kt बाय m, और v is equals to under root 2 k t by m। पिछली बार क्या था? Under root 2 p not t by m, है ना? अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल लेते हैं। पार इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पार कितनी है? k। फोर्स हमें पता नहीं, वेलोसिटी हमें पता है, अंडर रूट 2 k t by m। तो फोर्स इज इक्वल्स टू k अपॉन अंडर रूट 2 k t by m। बेटा ऊपर k को रूट के लिखेंगे, एक रूट के से रूट के कैंसिल हो जाएगा, रूट m भी ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? k m अपॉन 2 t, अंडर रूट m k by 2 t, यही होगा ना, अंडर रूट m k by 2 t, अंडर रूट m k by 2 t की पार माइनस हाफ, वही तो बात हुई। t की पार माइनस हाफ मतलब 1 by रूट t, सही तो लग रहा है। दूसरा क्या है? अंडर रूट नहीं तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही सही है। एम के बाई टू टी की पार माइनस हाफ नीचे आ जाएगा, यही तो आया एम के बाई टू टी। क्लियर है? तो बच्चों यहां पे आज की क्लास होती है समाप्त, और वर्क एनर्जी पार भी होता है समाप्त। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद कोलिजन। वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या आता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशन साथ में होता है उसके अंदर। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे एक बार, उसके बाद कोलिजन्स का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर पूरा रोटेशनल पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते रहो, अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। थोड़ी सी मेरी तबीयत में ऊपर नीचे हुआ है इस बीच, और इसको हम लोग वापस से रिकवर कर लेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।